श्री सितारा सितारा श्री सितारा श्री सितारा श्री सितारा श्री सितारा श्री सितारा श्री सितारा आरती के लिए यजमान जी मंच पर आ जाएं। भागवत भगवान की आरती के लिए मुख्य यजमान केवल एक जन। बाकी सभी भक्तजन नीचे से ही आरती उतारेंगे। हरि ओम चंद्रमा मन सूर्यात शचो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायश्च प्राणश्च मुखाद्यजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ के मुक्ति पंक्ति पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। नव ज्योति जगाने वाला रे, नव ज्योति जगाने वाला रे। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान के है आरती, पापियों को पाप से है आरती। यह शांति गीत पावन पुनीत, यह शांति गीत पावन पुनीत। पापों को मिटाने वाला हो हरि दर्शन कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला रे, हरि दर्श कराने वाला। वो यही सुख करनी करनी है दुख मरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। Thank you.
मधुर बोल भग पंथ खोल सत्य मार्ग बताने वाला हो बिकली को बनाने वाला। ये मधुर बोल सत्य पंथ खोल सद्मार्ग बताने वाला है बिगड़ी को बनाने वाला। राम यही घन श्याम यही राजा राम यही प्यारे श्याम यही प्रभु राम यही प्रभु श्याम यही ओ प्रभु के महिमा की आरती पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती ओ पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुज के तिहारम सदा वसंतम हृदयार विंदे पिता तुम्हें बंधु जगा तुम्हें मम देव देव हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हस्ते अक्षत पुष्पम गृहीत्वा मंत्र पुष्पांजलिः हरिः ओम आवम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सजन्त यत पूर्वे शाद्याः शान्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरिः ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। श्रीवन्तकामकुलजं भगवाड्लाब्जै पुण्यागजातिगरवीररसालपुष्पै विल्लप्रवाहतुलसी दलभञ्जरीभिस्त्वं पूजयामि जगदीश्वर विप्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथाकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाण परमेश्वर। ॐ श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। भोले वृन्दावन विहारी लाल की श्री भागवत भगवान की यज्ञ नारायण भगवान की श्री गौरी शंकर भगवान की श्री व्यास जी महाराज की। जय श्री राम जय श्री राम। भोले बागेश्वर धाम की सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा की जय हो। आने की जय हो। की जय हो।
जय श्री राम। सभी से निवेदन है सभी लोग बैठ जाएं। और मंच पर है ब्राह्मण और संत महात्माओं से निवेदन है कि वो भी आसन पर बैठ जाए, उनका आसन यहाँ लगा हुआ है। सभी से निवेदन है केवल मुख्य यजमान बस मंच पर रहेंगे। कृपया सभी लोग दूरी बना के बैठे, अभी भी COVID-19 गया नहीं है, उसकी गाइडलाइन का सभी पालन करें। आज जो भी मास्क लेकर नहीं आया है उनसे निवेदन है कल सभी मास्क पहनकर अभी से आए और सभी डिस्टेंस बना के दूरियां बनाकर बैठे। श्री बागेश्वर धाम सरकार पूज्य महाराज श्री हम सभी के सम्मुख विराजमान हो चुके हैं। उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए कथा के मुख्य यजमान पूज्य संत श्री श्यामदास जी महाराज श्री श्री 1008 रामगोपाल मंदिर हटा से उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए समस्त हर जगह से आए हुए सभी संत महात्मा उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए और उप यजमान सभी को जय श्री राम तथा कथा पंडाल में आए हुए सभी भागवत प्रेमी को बागेश्वर धाम परिवार की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन वंदन करते हैं। आज हम आप सभी पूज्य महाराज श्री के पावन सानिध्य में सत्य दिवसीय चलने वाली श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेंगे। हम सब परग सौभाग्यशाली हैं बागेश्वर धाम पीठ से पूज्य महाराज श्री का आगमन हटाकी नगरी में जिसे उपकाशी कहा जाता है हुआ है। श्री महर्षि वेद व्यास जी द्वारा रचित श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य मंगलमय व्याख्या लेकर पूज्य महाराज श्री की अमृतमयी वाणी से हम सभी सत्य दिवसीय चलने वाली श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करेंगे और कथा का सीधा प्रसारण आप सभी संस्कार चैनल पर लाइव देख सकते हैं। साथ ही बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल पर आप सीधा प्रसारण देखेंगे। बागेश्वर धाम सरकार की कोई भी जानकारी के लिए आप यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें और आइए चलते हैं ज्यादा समय ना लेते हुए आज की प्रथम दिवस की कथा का रसपान करेंगे। बोले बागेश्वर धाम की, सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा की, गुरुदेव भगवान की, चंडी माता की, गौरी शंकर भगवान की। वो साला नहीं हो पाए, एक हिंदू एक गाय। जय श्री राम, जय श्री राम।
बिगिने तेज पुंजे कई
श्याम इंदो उनके श्री चरण में बारंबार मधुरा
Mama, 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 mama.
कंजूसी मत किया करो ताली बजाने और हरि नाम गाने में पैसा तो लगता नहीं भाई ताली बजाने पैसा लगता है क्या जवाब दीजिए हाँ जी या ना जी अच्छा घर भाई से कॉल खाकर आए थे क्या घर से कि हम कथा में जाएंगे और ताली नहीं बजाएंगे कसम खाकर आए क्या किसी को वचन देकर के तो नहीं आए नहीं आए हम आपको एक बड़ी प्यारी बात बता दें सुनो आपने सनी की देखी कभी सवयात्रा जाते हुए सबने देखी होगी बराबर है बोलो ना देखिए एक बार एक यात्रा जा रही थी मरघट की यात्रा उसमें साहब बोल रहे थे राम नाम क्या है सत्य है आगे वाले भी बोल रहे थे पीछे वाले जिसका बाप मरा था वो भी बोल रहा था राम नाम सत्य है आप बोल रहे थे लेकिन एक आदमी नहीं बोल रहा था पूछो कौन जो ऊपर लेटा था केवल एक आदमी नहीं बोल रहा था उस यात्रा में कौन नहीं बोल रहा था जो चार कंधों पर लेटा था इसी प्रकार कथा में बैठे हुए लोग जो नाम संकीर्तन नहीं गाते समझ जाओ तुम ही चार कंधों पर हरि बोल कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर होते रही कलयुग में केवल भगवान का नाम श्रेयस्कर है किसका नाम ठाकुर का नाम साहब ये मौज बड़ी प्यारी ये जो मौज बैठी ना बड़ी प्यारी भगवान करे ये मौज रोज रहे मौज क्या हो संतों की सानिध्य हो गौरी शंकर महादेव का प्रांगण हो और हटा जैसी उस काशी का नगर और फिर भगवत ठाकुर कृष्ण की चर्चा हो कहना क्या एक बात और सुनो काशी से हमारा बड़ा लगाव है क्योंकि जब हम पहुंचे तो यहाँ पर जयकारा लगा चंडी मैया की हमने पूछा ये चंडी माता कहाँ की किसी ने बड़े धीरे से कान में जवाब दिया गड़ा की चंडी हमने कहा हम भी उसी गड़ा के राधा 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 तुम मत बजाना ताली तुम्हें अपने अपने कसम है तो ताली ना बजाओ भगवान नाम ना गाए उसे अपने अपने अगल बगल वाले की कसम है
जय जय श्री राधे। अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हर्षितम। परात्पर परमात्मा अखंड ब्रह्मांड नायक कोटि सूर्य समप्रभा भगवान आ करुणा ब्रह्मालय भक्त वांछात कल्पतरु सरकार जिनकी करुण कृपा में स्वभाव के कारण समस्त जगत में आधारभूत नाट्य लीला के रूप में यह चेतना विद्यमान है, ऐसे ममिष्ट देव भगवान श्री सीताराम जी सरकार के पाद कमलों को बारंबार प्रणाम करते हैं। कथा के परम रसिक बढ़िया वक्ता श्री, आपसे बढ़िया कोई श्रोता भी नहीं है, अद्भुत श्री राम जी के परम प्रिय दूत ममिष्ठ देव भगवान श्री अनंत बलवंत श्री बागेश्वर बालाजी महाराज के चरणों को बारंबार प्रणाम करते हैं। गौरी शंकर महादेव के चरणों को बारंबार प्रणाम, सभी संत जनों को बारंबार प्रणाम, साक्षात युगल सरकार का स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण का यह पावन सदग्रंथ, साष्टांग दंडवत प्रणाम। वेदव्यास जी महाराज के चरणों को भी प्रणाम, परमहंस महाराज सुखदेव जी को भी प्रणाम। आप सबसे प्रार्थना, दास पर अपना अनुग्रह करें एवं किसी न किसी रूप में विराजमान होकर के कृपा करें। सभी साधु मंडली के चरणों को साष्टांग दंडवत प्रणाम, भूदेव ब्राह्मणों के चरणों को बारम्बार प्रणाम, बागेश्वर बालाजी सदगुरु सन्यासी बाबा को प्रणाम, स्थान देवता को प्रणाम, क्षेत्र अधिपति देवता को प्रणाम, उपकाशी हटा नगर के सभी तीर्थ स्थलों को बारंबार प्रणाम एवं जितने भी यहाँ पर कथा को श्रवण करने के लिए आप सब विराजमान हैं अथवा घर बैठे हुए संस्कार टीवी चैनल के माध्यम से कथा को लाइव देख पा रहे हैं या बागेश्वर धाम चैनल से घर बैठे हुए कथा को श्रवण कर पा रहे हैं, बाबा की एक पंक्ति के साथ सिया राम है सब जग जाने करहूं प्रणाम। भैया सबको बारंबार प्रणाम, बोलो राधे राधे। भाई जोर से बोलो ना, ब्रजवासी बनो थोड़ी देर के लिए। भगवान बड़ा अनुग्रह है श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा का, जिनके कृपामय प्रभाव के कारण आज इस दास को भगवान की नगरी तो ये है ही है, मंदिरों की नगरी तो है, पर पूज्य परम पूज्य श्री शंकराचार्य जी ने हटा के बाद उपनाम दिया उपकाशी, उपकाशी भी है और अद्भुत स्वरूप में श्री महादेव यहां विराजमान है, मां गौरा को लेकर के नंदी पर विराजमान है दुल्हा रूप में, मतलब विवाह ना होए तो उपकाशी हटा में यही पूजा करो तो ये आपका कल्याण कर देंगे। ऐसे पावन नगर, संतों की नगरी, भगवान की नगरी तो सकल सबै भूम गोपाल की है, परंतु एक बात हमारे मन में बार बार आई आज प्रातः काल से जब से दास इस भूमि पर प्रवेश भया, असलियत रूप से यह नगरी परम भक्तों की नगरी है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं। यहां पर एक से एक अद्भुत भक्त हमने देखे, रस्ते में जब चले आ रहे थे बड़ा अद्भुत भाव था सबका, वो लाड़ वो प्यार वो अपनापन,
जिसे देख करके हृदय बार बार गदगद होता था। और दूसरा गदगद तब हुआ, हम इतने बड़े सौभाग्यशाली कि 11 मंदिर हैं इस नगर में और सभी मंदिरों के सरकार अपना मंदिर छोड़कर, महंत तो पुजारी तो बहुत कथाओं में जाते हैं 7-7 दिन के लिए, पर पहली बार हम ऐसी कथा कर रहे हैं जिसमें स्वयं 11 मंदिरों के राम राजा और ठाकुर जी कथा सुनने 7 दिन के लिए आए। अब बताओ भाई क्या चाहते हो? हमारे लिए तो बड़ा आसान, खूब अद्भुतता का विषय। अब वाणी से कह नहीं सकते, देखो प्रेम और प्रसन्नता जितनी कम बोली जाए उतना अच्छा है, क्योंकि प्रेम की कोई परिभाषा नहीं है। और किसी को आप देख करके बड़े गदगद हो तो वो अपने आप आपकी आंखें, आपके वो हंसते हुए शब्द, जिसे कहते हैं ना गदगद होकर के रुक रुक करके बोलते हुए शब्द, बता देते हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, आप कितना प्रेम करते हैं। ठाकुर साधु दयालु, हम आपसे सही बात कहवे, जब से हमने 11 ठाकुरों का विमान जब नगर में देखा कलश यात्रा में, आज हमें लगा आगे हमारे ठाकुर जी हैं, पीछे ये नन्ना सा दास है और वो हाथ पकड़ करके लिए जा रहे कि चल तू कथा कर। जबरदस्ती आज ये भाव हो रहा था कि हम लगभग 6-7 साल के हैं, छोटी अवस्था है हमारी, जिस प्रकार दादा गुरु हमारे करते थे कि दादा गुरु जब हमें पढ़ाते थे छोटी अवस्था में कथा सिखाते थे, जबरदस्ती बाहें पकड़ लेते थे, बैठ हमारी मैया छोटे में जबरदस्ती, वो पढ़ी लिखी नहीं थी मैया, मैया मेरी पढ़ी लिखी नहीं, पर जबरदस्ती बैठ बैठा रामायण सुना और एक लाठी बगल में रख लेती थी। अब बांच आज हमें भी वही लगा, सरकार अपना दंड लिए हैं तो मैया का भी स्वरूप लगा, कभी कभी धनुष बाण लिए तो डर भी दिखा रहे कि अगर कथा ना बांची तो हम तीर चला देंगे, लेकिन आगे आगे सरकार और पीछे पीछे जब ये दास। देखो सदैव एक बात स्मरण में रखो, अपने से श्रेष्ठ के पीछे हमेशा चलने का संकल्प लो, अपने से श्रेष्ठ के आगे चलने का प्रयास करोगे तो बिगड़ जाओगे। अपने से श्रेष्ठ के आगे मत चलो, गुरु को गुरु रहने दो, तुम चेला जी हो चेला जी बनो, गुरु जी बन गए गड़बड़ हुई जाएगा, ताउदर खपरिया तुम्हारी गायब हुई जाएगी। अपने से श्रेष्ठ से जो आपके माता पिता हैं, आपके अभिभावक हैं, आपके उच्च हैं, उनके आगे आपने विद्वत्ता दिखाई, बड़प्पन दिखाया जिन्होंने ही सिखाया, का होगा भैया कछु नहीं होगा, वो भगवान का करेंगे दूठोक माइंड के तार ढीले कर देंगे, का होगा महाराज पगले आ गए अब काऊ कथा सुनेगा होगा ये लठ टमाटर और मारेगा। हाँ जी अना जी, इसलिए ध्यान रखिए भैया, आप सदैव स्मरण रखें, अपने जीवन में एक श्रेष्ठ को रखें और श्रेष्ठ से आगे जाने की चेष्टा ना करें, सदैव भगवान से यही प्रार्थना करें कि हे माधव हे गुरुदेव हम सदा ऐसे महापुरुषों के पीछे चलते रहें। महापुरुष हो माता पिता हो गुरु हो कोई सज्जन पुरुष हो, देखो जिसकी प्यास जहां बुझे उसके लिए वही श्रेष्ठ है। क्या हमें अभी प्यास लगी है और कुआं बगल में है और कोई घोषणा करे महाराज यहाँ पानी मत पियो 400 किलोमीटर दूर चलो, बंबई में बढ़िया VIP समुद्र है, भयंकर पानी भरा, नहाओ पियो, मरत तो हम अबे धरे आगे के लगे, अजोले होते जाने जोले जी गटाई कर जाने प्राणी ने कर जाने प्राण ने कर जाने फिर होते को पूछा था। तो भैया जिसकी प्यास जहां बुझे उसी कुआं उसके लिए वही समुद्र है। ये बात क्यों कही हमने श्रीमान? ये बात हमने इसलिए कही आपको काशी जाना चाहिए दर्शन के लिए, पर अगर ज्यादा पैसे वाले नहीं हो
बार बार नहीं जा सकते तो महीने में एक बार संकल्प लो और हटा उपकाशी के सभी मंदिरों के दर्शन प्रारंभ करो, आप काशी के दर्शन करो। पर आपको काशी भटकना, अगर पहुंच जाओ तो अच्छा है, जितना ज्यादा पहुंचो हम रोक नहीं रहे। इसका मतलब ये नहीं कि आप कल के दिन कोई छाप दे कि महाराज ने कहा बनारस जाना बंद, उपकाशी हटा आओ, आपद हो जाएगी। तो हम आपको एकदम स्पष्ट कर रहे हैं, क्योंकि बुद्ध पुरुषों के सामने बोलना साहब बड़ा कठिन है, हमारे जैसे अज्ञानी को बोलना बड़ा कठिन है। तो श्रीमान जिसकी प्यास जहां बुझे उसके लिए वही समुद्र है। क्या है? वही समुद्र है, ऐसा ही पावन समुद्र। आज से हम 7 दिन तक के लिए गौरी देखो कितना सुंदर स्थल है, सामने महादेव का मंदिर, सामने सन्मुखी है ना, सन्मुख महादेव का स्थल, ये दद्दा मंच, और पीछे शायद यहीं के सब संत होंगे, काशी के ही, उपकाशी के ही, उपकाशी के सभी संतों का विग्रह। मतलब सामने से भी महाराज ऊर्जा लीजिए, पीछे से भी आशीर्वाद लीजिए, ऊपर से हनुमान जी का आशीर्वाद लीजिए, भागवत में मुग्धर रखो सो बागेश्वर बालाजी को आशीर्वाद लो। अब कहूं से बाबाजी तुम बचवे बारे नहीं है, ये बड़ी दया। ऐसा अद्भुत स्थल इस प्रांगण में आज से 7 दिन तक हम आप सभी ठाकुर जी की गाथा को गाने को बैठे हैं। परम सौभाग्य की बात है। देखो एक बात और बोले, भगवान की गाथा को धैर्य पूर्वक सुने। कैसे सुने? 3 घंटा मनोरंजन के लिए नहीं, कब चोट सत्संग की लग जाए कोई ठिकाना नहीं है। इस भाव से बैठे कि कबहू तो दीन दयाल के झनक पड़ेगी कान, कभी तो उन माधव को, कभी तो उन राघव को, कभी उन महादेव को हमारी बात सुनाई पड़ेगी, गीत के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, भजन के माध्यम से। कबहू तो वो कृपा करके कभी तो कहेंगे तू हमारा हम तुम्हारे। प्रार्थना करूं, आप सब भटकी हुई गोपियां हैं, हम आप सब मोहन की भटकी हुई गोपियां हैं, है तो गोपी भाव के पर भटक गए हैं किस चक्कर में। ते में तोरे तोरे में माया, भूल गए। जिस प्रकार कोयला के खदान में जो काम करता है तो उसने देखा होगा कोयले में भी कभी कभी हीरा मिलता है, कोयले में भी कभी कभी हीरा पाया जाता है, पर अगर उसमें कालिख लगी हो तो बहुत जल्दी बड़ा उच्च स्तर का पारखी भी पहचान नहीं पाता। और कब पहचानता? जब उसे कपड़े से बढ़िया साफ किया जाए या धो दिया जाए, फिर वो हजार कच्चे हीरों में एक पक्का हीरा डला हो तो पहचान में आ जाता ये असली वाला है। हाँ जी या ना जी? उसी प्रकार हम संसार में आए हैं तो माया की जो गंध है वो लग गई। प्यारा क्या लगता? संसार की बातें बड़ी प्यारी लगती। महाराज अभी राजनीति की चर्चा कर दें, कई लोगों के कान खड़े हो जाएंगे, वाह। अच्छा, किसी को घुटना दर्द हो रहा हो, हम कथा में बता दें, सुनो भाई घुटने की दवा, तो जो कथा सुन नहीं रहे होंगे वो भी कान खड़े कर लेंगे, अच्छा बताएंगे क्या, सुनो जरा। क्यों? जिसको जिसकी लगन है वो वही चीज प्राप्त करना चाहता। मैं आपसे प्रार्थना करूं, आपको जीवन में एक ही लगन होनी चाहिए भगवत कथा की, और ये रस बार बार आप सुनते रहो ताकि कहीं पर भी भगवत चर्चा हो और आपको भी माधव की कथा प्रिय लगने लगे। होगा क्या? फिर आप जब कथा सुनेंगे तो जो माया की गंध लग गई वो छूट जाएगी और आप ठाकुर जी के हो जाएंगे, ठाकुर जी आपके हो जाएंगे। ऐसी परम भागवत चर्चा को लेकर के हम आप सब
बागेश्वर बालाजी की परम करुणामयी कृपा से 7 दिन तक के लिए यहां विराजमान रहे। और कथा करनी है भागवत की, काहे की भैया भागवत की, भागवत किसे कहते हैं पहले इसके बारे में जान लेते हैं। भाष्यते सर्व वेदेषु गीयते नारदयादिवि वदन्ती त्रिषु लोकेषु तरन्ती भवसागरा। भागवत की बड़ी महिमा बताई, पहले भागवत अर्थ पर जाते हैं। भागवत में कितने सब अक्षर हैं? 4, भा ग वा और ता, इन चारों अक्षरों से मिलकर के बनी है भागवत। पहला अक्षर कौन सा है? भा, तो भा के लिए लिखा भाष्यते सर्व वेदेषु, जो सभी वेदों में भाष्यत है, अथवा सभी वेदों का जो सार है। भाई वेद और शास्त्र पुराण तो सब पढ़ नहीं सकते, अब पढ़ भी लें तो समझ में नहीं आएगा, अर्थ का अनर्थ कर देंगे। विचित्र भाषा बोलने वाले हंस का नाम है शास्त्र, ये कहते कुछ और हैं, इनका अर्थ कुछ और होता। पर आदमी बड़ा बेकार होता, अपने अपने मन की निकाल लेता अर्थ को, अपनी अपनी रुचि अनुसार अर्थ निकाल लेता, बाकी पुस्तक पढ़ता ही नहीं। ऐसे ही एक बार एक वेद की पुस्तक में लिखा था, एक व्यक्ति ने पढ़ा, ऐसी अर्थ कुछ रहा होगा, ज्ञानी होगा नहीं, अज्ञानी अपने आप को मानता नहीं था, तो एक वेद की किताब उसके हाथ में लग गई। उसने पढ़ा तो उसमें लिखा था वेद पढ़ना पाप है, एक किताब में था, तो जो किताब थी उसमें 2 पन्ने थे, तो दूसरे पेज के अंतिम लाइन में लिखा था वेद पढ़ना पाप। और उसने जहां पढ़ा बोले तुरंत सबको दिखा के बोले इधर आओ, आज से वेद मत पढ़ना। लोग पूछे क्यों? अरे बोले वेद पढ़ना पाप है, देखो वेद की पुस्तक में लिखा है। व्यक्ति कहे भाई ऐसा तो हो नहीं सकता वेद पढ़ना पाप, हम नहीं कह रहे हैं वेद कह रहा पढ़िए, हाँ लिखा तो है भाई, बड़े बड़े विद्वान चकित हो गए। एक वास्तविक विद्वान थे, उनके पास जब ये बात गई तो उन्होंने कहा कि ऐसा तो हो नहीं सकता वेद पढ़ना पाप हो, ये बात वेद की पुस्तक में लिखी हो। बोले नहीं महाराज वो बता रहा, बोले बुला लाओ हमारे पास। गए व्यक्ति पहुंचा, बोले महाराज बताइए, हमने सुना आपके पास ऐसी पुस्तक है जिस वेद की पुस्तक में लिखा वेद पढ़ना पाप है। बोले हाँ महाराज, हम दावे के साथ कह सकते हैं, दिखाओ भाई वो पुस्तक कौन सी है। उन्होंने पुस्तक दिखाई, वास्तविक लिखा था वेद पढ़ना पाप है, और जब महंत जी ने उन विद्वान पुरुष ने पन्ना पलटाया तो आगे श्लोक था असोच अवस्था। वो व्यक्ति पन्ना पलटा ही नहीं, पहले ही पन्ने पर रुक करके रह गया वेद पढ़ना पाप है, लेकिन आगे जब पन्ना पेज को पलटा तो उसमें श्लोक लिखा था असोच अवस्था, आप पवित्र अवस्था में वेद पढ़ना पाप है, बाकी पढ़ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। हेलो बताओ, लेकिन आदमी अपने अपने मतलब का निकाल लेता, बोले उसने आगे पढ़ा ही नहीं, पहले ही निकाल लिया, बोले हमें तो इसी से काम चलाना है, इसलिए वेद सब पढ़ नहीं पाते। तो बड़ी सरल भाषा में वेदों का ही सार श्रीमद् भागवत कथा है। क्या है? श्रीमद् भागवत कथा, इसलिए लिखा भाष्यते सर्व वेदेषु गीयते नारदयादिवि। इसका गायन सनकादिक श्री नारद जी, सनकादिक ऋषियों ने किया, नारद जी ने किया, परमहंस श्री सुखदेव जी ने किया, आदि आदि महापुरुषों ने इसका गायन किया। किसने? गीयते नारद आदि भी। लेकिन महाराज इसकी महिमा कहां कहां तक है? वदंती त्रिशूलोकेषु, तीनों लोकों में महिमा है। पर कथा सुनने के लिए आपको इसी लोक में आना पड़ेगा, इसकी महिमा तो तीनों लोकों में महाराज, लेकिन सुनने से होता क्या है? तो बोले तरंती भव सागिरा, तरंती
की भागवत कथा को सात दिन तक नियम पूर्वक सुनता है, गाता है, कहता है, वह फिर इस संसार रूपी भव सागर से तर जाता है। एक तो ये अर्थ हुआ, दूसरा अर्थ सुनिए। पहले वेद व्यास जी ने केवल भागवत का नाम भागवत लिखा, इस सदग्रंथ का नाम भागवत लिखा। लक्ष्मी जी नाराज हो गई, बोले महाराज आपका ही नाम है, हमारा तो नाम है ही नहीं, आप जाओ, आपकी कथा है, हम तो जाने वाले नहीं है। भगवान बोले देवी जी ऐसा ना करो, तुम भी चलो, अच्छा लगेगा सबको। बोले महाराज हमारा नाम ही नहीं सैन बोर्ड पर, हम क्या करेंगे जाके। भगवान बोले रुक जाओ देवी जी। तुरंत वेद व्यास जी के पास गए, बोले महाराज नाम का टाइटल जोड़ा बढ़ा दिया जाए। वेद व्यास जी बोले क्यों। अरे बोले श्रीमती जी का नाम नहीं है, घर पे लड़ाई धर दी तुमने ये ग्रंथ बनाकर। वेद व्यास जी बोले महाराज क्या नाम और रख दें। बोले उनका कोई नाम बढ़िया सा हो जाए तो रख दीजिए। तो वेद व्यास जी ने पहले तो इस सदग्रंथ का नाम था भागवत, बाद में दो नाम और जोड़े, सो आगे लिख दिया श्री, फिर लिख दिया मद, फिर पीछे जोड़ दिया भागवत। भगवान सैन बोर्ड का प्रमाण पत्र लेके पहुंचे, बोले लो देवी जी आगे अब तुम्हारी नाम, हम सबसे पाछे, अब ठीक है। हाँ महाराज अब बढ़िया। तो श्री का अर्थ क्या होता है, श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी। फिर क्या है मद, मद का अर्थ क्या होता, मद का अर्थ होता चढ़ जाना, और कछु नहीं ऊट पटांग ना सोचिए, हाँ कुछ ऊट पटांग नशा चढ़ जाना नहीं, भगवान नाम का मद चढ़ जाना ही मद है। इसे कहते खुमारी, एक भाषा में महाराज इसे खुमारी भी कहते हैं। खुमारी भी बड़े बड़े महापुरुषों को चढ़ी, गुरु नानक देव। एक बार नानक देव के पास एक व्यक्ति पहुंचा, लाल लाल आंखें नानक देव जी बैठे, नानक देव जी के पास वो आदमी पहुंचा, बोले महाराज हम भी पीते हैं पर तुम्हारी आंखें बड़ी लाल हैं, मस्तीली हैं, लगता तुम भी पीते हो। नानक ने कहा भाई हम नहीं पीते। बोले आंखें तो बता रही। बोले हाँ हम भी पीते हैं फिर। बोले हम तुम तो भाई भाई, चलो। अच्छा आदमी बड़े विचित्र होते हैं, इस संसार में जिसको जिस चीज की चाह है वह प्राप्त करके ही छोड़ते। हाँ जी या ना जी, आपने बारात तो देखी होगी महाराज, बारात किसी गांव में जाए, बारात में लगभग 80-90% सब नए लोग जाते हैं जो पहली बार उस गांव में जा रहे होंगे, हाँ या ना। अच्छा आप कभी गए बारात में, गाई हुई हो, खुद की तो गाई हुई, हम ना जा पाए। तो बारात में जितने बाराती जाते हैं, ज्यादातर बारातियों को गांव का घर पता नहीं होता है, लड़की पक्ष का भी नहीं, 100 में 99% लोग महाराज। लेकिन एक घंटा पहुंचे नहीं होंगे, आधे घंटे में सब ठेके पे मिलेंगे तुम। उन्हें लड़की का घर पता नहीं होता, पर आधे घंटे में वो ऐसा सूंघा लगाते कि सब ठेके पे मिलेंगे तुम्हें। जितने पीने वाले पूछो क्यों, क्यों, क्योंकि उनकी चाह ही है मदिरा। अगर आपकी चाह गोविंद होगी तो तुम भी माधव के पास होगे, माधव तुम्हारे पास। आपकी चाह बता दी आपको क्या पाना, चाय की तरफ तेज हो तो प्राप्त माधव को होना पड़ेगा, माधव को आना पड़ेगा, गोविंद को आना पड़ेगा। तो साहब एक है खुमारी, खुमारी का अर्थ है मस्ती में झूमना। अरे महलों में पड़ी वन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहानी लगी, मीरा हो खुमारी चढ़ी मीरा को, अद्भुत खुमारी, अद्भुत खुमारी चढ़ी। पति को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया, घर त्याग करके मीरा बैठी संतों के संग, रंगी मोहन के रंग,
बैठी संतों के संग रंगीन मोहन के रंग मीरा रानी दीवानी आने लगी ऐसी दामी लगन मीरा हो गई मगन। महाराज कुमारी अद्भुत होती है, अद्भुत होती कुमारी मीरा को चढ़ी नानक को भी चढ़ी तो नानक से वो व्यक्ति पूछता बाबा तुम भी पीते? नानक कहते हाँ हम भी पीते हैं, लेकिन अंतर इतना है लोग पीते हैं पी पी के गिरते हम भी पीते हैं गिरते नहीं है। बाबा कहते लोग पीते पीते गिरते हम भी पीते पर गिरते नहीं। तो वो पीने वाला जरा बेवड़ा उच्च लेवल का था, वो बोलता आप बाबा कौन सा ब्रांड पीते हैं, आप गिरते क्यों नहीं? बाबा कहते हैं लोग पीते हैं पी पी गिरते हम भी पीते हैं गिरते नहीं है। लोग पीते हैं जाम का प्याला हम तो गोविंद नाम की पीते। इतना अंतर है साहब, तुम जाम का प्याला पीते हो हम ठाकुर के नाम का पीते हैं। तो साहब इसका अर्थ है मद, मद का अर्थ है चढ़ जाना। जब तक कथा में बैठो, कथा में अगर घरवारी की ध्यान आ रही मतलब अभी चढ़ी नहीं कथा। दुश्मन याद आ रहा कथा में नहीं बैठ पाए ढंग से, अभी भी आपको अपना फोटो दिख रही अभी आप कथा में बैठ नहीं पाए। जब व्यक्ति कथा में बैठ जाता है साहब फिर उसे ध्यान नहीं रहता बच कितना रहा, आ कौन रहा, जा कौन रहा, वो तो सोचता आप कौन सी गाथा गोविंद की सुनेंगे। इसका अर्थ है चढ़ना, तो श्री का अर्थ लक्ष्मी, मद का अर्थ चढ़ना। अब भागवत का दूसरा अर्थ सुनो, कितने अक्षर हैं भागवत में बोलो ना, पहला अक्षर कौन सा? भाषे होती है भक्ति, भाषे क्या होती? अच्छा भक्ति कैसी हो, माला ले ली तो भक्त बन गए क्या? त्रिपुंड लगा लिया थोड़ा दो तीन माला पहन ली तो आप भक्त बन गए क्या? बोले नहीं। बढ़िया भक्त कौन सा है? सुखदेव जी कहते हैं बढ़िया भक्त वो है जिसके मुख से गोविंद नाम छूटता ही नहीं है, वही बढ़िया वाला भक्त है। उच्च श्रेणी का भक्त वो है जिसके मुख से माधव का नाम छूटता नहीं। दूसरा अक्षर कौन सा है? गा। महाराज गा से क्या होता है? सुखदेव जी बोले राजन गा से होता है ज्ञान। ज्ञान कैसा हो? आपने पीएचडी कर ली तो क्या ज्ञानी हो गए? डीएड बीएड कर ली तो क्या ज्ञानी हो गए? लॉ पढ़ लिया तो क्या ज्ञानी हो गए? नौकरी लग गई तो क्या ज्ञानी हो गए? बोले नहीं, संसार में वही सबसे बढ़िया ज्ञानी है जिसे यह ज्ञान हो गया भगवत कृपा कोई थी, भगवत कृपा कोई है और भगवत कृपा से ही सब कुछ रहेगा, ऐसा जिसे ज्ञान हो गया वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। तीसरा अक्षर कौन सा है? तीसरा अक्षर है वाह। क्या है वाह? वाह से महाराज क्या होता? वाह से होता है वैराग्य। क्या होता है? वैराग्य। महाराज वैराग्य कैसा होना चाहिए? कपड़े छोड़ दें, भोजन करना छोड़ दें, वैरागी बन जाएं, घर छोड़ दें? सुखदेव जी कहते नहीं नहीं राजा, घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको कपड़े त्यागने की भी जरूरत नहीं है। फिर महाराज कैसा वैराग्य? बोले सुनो, सबसे बड़ा वैरागी वही है, सबसे बढ़िया वाला वैराग्य धारण उसी ने किया जिसने जीवन में बुरे कर्म ना करने का संकल्प ले लिया, वही सबसे बड़ा वैराग्य। अब वैरागी तो बन गए, अब फिर अब पहुंचे बाहर, बोले और तो सब ठीक है, भांग खा लाइए, अब काहे के वैरागी आगी के लगे तो है? अब वैरागी तो बन गए पर फिर भी याद है। एक बार एक महात्मा आते हैं ऐसे, देखो बुरा मत मानना, ऐसे एक महात्मा आते तो उनसे किसी ने पूछा महाराज घर कितने साल छोड़े होंगे? बोले 20 साल। 20 साल घर गाय नहीं लौट? अब बोले महाराज हमारे घर कैसे आ गए?
बोले यार तुम तो हमारे यजमान हो, चेला हो, चेलाओं के घर तो जो बुलाता सो हम चले जाते। एक बड़ा कुतर्की व्यक्ति हमारे जैसा बैठा हुआ था, बोले महाराज जौन घर में जन्म लो वही भर से दुश्मनी है का, बाकी घर है तुम एन जा रहे मालपुआ रबड़ी चकाचक खा रहे, जिस घर में तुमने जन्म लिया जहां माता पिता रहते वही भर काए छोड़ दिया। पकड़ो तो सबका पकड़ो, छोड़ो तो फिर सबको छोड़ो, यह है वैराग्य की भूमिका। चौथा अक्षर क्या है भागवत का? चौथा अक्षर क्या है? ता। ता से क्या होता है? ता से होता है त्याग। क्या होता है? त्याग। त्याग कैसा होना चाहिए सुनिए। कई बार व्यक्ति के पास पादुका के लिए पैसा नहीं होता, वो घोषणा कर देता हम चप्पल नहीं पहनेंगे। अब पैसा है ही नहीं पहने का, होए तब तो पहले। अरे त्याग तब है कि छप्पन भोग रखा हो और आप खाओ ना, त्याग दो ना। त्याग तब है बढ़िया कपड़े हो पर आपने संकल्प ले लिया हो दिगंबर रहने का। त्याग तब है जब लखपति हो धन स्पर्श करने ना करने का संकल्प ले लिया। राजा परीक्षित जी पूछते हैं महाराज बढ़िया त्यागी कौन है संसार में, सबसे अच्छा त्यागी कौन है? बड़ा सुंदर जवाब दिया सुखदेव जी ने, राजन इस संसार में सबसे बड़ा वही त्यागी है जिसने उन लोगों का त्याग कर दिया जो भगवान से दूर लिए जाए। अच्छा हाँ, आज तक किसी ने त्यागा? बोले हाँ, तजो पिता पहला विभीषण बन भरत महतारी बलि गुरु तजो कंत ब्रजनंदन भये मोद मंगल का। त्यागा किसी ने? बोले हाँ, तजो पिता पहलाद। पिताजी को त्याग दिया किसी ने? किसने? पहलाद जी ने। क्यों? क्योंकि भगवान से दूर लिए जा रहा था। हाँ जी या ना जी? तजो पिता पहलाद विभीषण बंधु भाई भुजा होती है भुजा, भाई क्या होती भुजा, पर भाई का त्याग किया किसने? विभीषण जी ने। किसका? रावण का। विभीषण बंधु भरत महतारी, माँ का रिश्ता बहुत बड़ा होता। हाँ जी अना जी? पर माँ का भी एक व्यक्ति ने त्याग किया। बोले किसने? बोले भरत जी ने। क्यों? राम जी को दूर भेज दिया इसलिए। कहा? ताप सुबेश विशेष उदासी, ताप सुबेश विशेष उदासी, चौदह बरस राम वनवासी, चौदह त्यागा। क्यों त्यागा? राम जी को दूर किया। लेकिन एक और रिश्ता बड़ा प्यारा होता, बहुत बड़ा, गुरु का। गुरु जी को कौन कौन मानता जरा बताओ ना, सब मानते ना, पर एक व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने गुरु जी को त्यागा। बलि गुरु तजो कंतु प्रज बलि तन, बलि गुरु
जोरे भैया राम गोविंद हरि, ओ राम गोविंद हरि, राम गोविंद राम गोविंद हरि, भजो रे भैया राम गोविंद हरि। बाबा कहते चौथा अक्षर महाराज ता है, ता से होता त्याग। भागवत का चौथा अक्षर ता, ता से त्याग। पर त्याग करना है तो उन लोगों का करिए जो तुम्हें भगवान से दूर लिए जा रहे, जो कहें कथा मत सुनो, जो कहे राम राम मत गाओ, जो कहे प्रभु को मत ध्याओ, जो कहें माता पिता की सेवा मत करो, वो पत्नी हो, परिवार जन हो, भाई हो, स्नेही हो, परम मित्र हो, ऐसे व्यक्ति को एक बार नहीं 100 बार त्यागना पड़े तो त्याग देना चाहिए। ये भागवत का अर्थ है महाराज, यह भागवत का क्या है अर्थ है, ऐसी भागवत कथा है। इसमें 335 अध्याय हैं महाराज, 12 स्कंद हैं। कितने? 12 स्कंद, द्वादश स्कंद हैं, और 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं महाराज। लेकिन भागवत के अक्षर अक्षर में हमारे गोविंद की श्याम लता समाई है, हमारे माधव विराजमान है। ये कोई पोथी नहीं है, भागवत नहीं कि राधे राधे गा लो, बस दो भजन सुन लो, तनक ठुमका लग, अरे अच्छी भागवत भाई भैया और चले जाओ। नहीं, इसके प्रत्येक अक्षर अक्षर में हमारे भगवान बैठे हैं, हमारे ठाकुर जी बैठे हैं। अंतर इतना है कि आप वहां बैठ करके अनुभव करो, हम यहाँ बैठ करके अनुभव कर रहे हैं महाराज। भागवत के लिए दूसरा लिखा कल्प वृक्ष, ये कल्प वृक्ष है। आप जो कामना को लेकर के भागवत कथा के प्रांगण में बैठेंगे, हम व्यास गद्दी से दावे के साथ कहते हैं वो कामना अवश्य इसी वर्ष तक पूर्ण होगी, इसमें कोई संदेह नहीं, कोई संदेह नहीं है। कोई भी कामना हो इस वर्ष के, अगर कोई बढ़िया हुई है, मान लो तुम 18 साल के हो, कामना करत हो कि लड़का हो जाए, अब ब्याह भाव ना हो तो रास्ता खुल जाए, ब्याह वारे आऊं लग है। तुम सोचो महाराज भागवत तो हमने पूरी 7 दिना सुनी, 4-4 घंटा, फिर वो लड़का तो भाव ही नहीं है। अरे यार भैया पहले ब्याह करवा, तो ऐसा नहीं। पर जो वास्तविक ऐसी कामना है, जो कामना आपके रुकावट बनी हुई है कार्य में, विपत्ति है, रोग है, व्याधि है, अगर वह पूर्ण नहीं होगी तो एक वर्ष के अंतर्गत अगर कोई कथा को नियम पूर्वक श्रवण करे, पालन करे, द्वादश अक्षर मंत्र का जप करे, तो एक वर्ष के अंतर्गत या तो वो पूर्ण होगी मनोकामना, अथवा उसका कोई रास्ता खुल जाएगा। ऐसा सदग्रंथ महाराज श्रीमद् भागवत कथा का है। तो हम आप बड़े भाग्यशाली हैं, ठाकुर जी की इस परम मंगलमयी गाथा को श्रवण करने बैठे। आइए महात्म का प्रथम श्लोक बड़े भाव से गाते हैं, इसके बाद आगे की वार्ता को गुनगुनाते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्याय धागे महात्मा का मधुर प्रथम श्लोक है। इसमें भगवान सच्चित आनंद स्वरूप की महिमा को प्रणाम किया गया,
सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का स्वरूप कैसा है? सत धन चित, चित धन आनंद, आनंद धन सच्चिदानंद। सत्य से परिपूर्ण, चित से परिपूर्ण और आनंद से परिपूर्ण, ऐसे पूर्ण परब्रह्म परमात्मा श्री सच्चिदानंद भगवान है। विश्वोत्पत्यादि हे तोवे, ऐसे ठाकुर जी जो समस्त संसार का सृजन भी करते हैं, पालन भी करते हैं और संहार भी करते हैं। ठाकुर जी ही पूरे संसार को बनाते हैं। भगवान ने, अच्छा आप बताओ, आपको किसने बनाया? किसने बनाया? ठाकुर जी ने। तो ठाकुर जी ही लीला करके संसार को बनाते हैं और ठाकुर जी ही संहार करते हैं। तो जो भगवान सृजन करता है, संग्रहण करता है और तापत्रय विनाशाय, जिनके पावन चरणों की रज धूलि का स्पर्श होते ही अथवा पावन चरणों का दर्शन होते ही दैहिक दैविक भौतिक रूपी ताप मिट जाता है, ऐसे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः, ऐसे ठाकुर जी को बारंबार प्रणाम। ऐसे युगल सरकार को हमारा बारंबार प्रणाम है। श्री भागवता कारण है पद्म पुराण के अंतर्गत 6 अध्यायों में श्रीमद् भागवत कथा के महत्व को गाया है और ये प्रथम श्लोक बड़ा मंगल था। सच्चिदानंद रूप विश्वोत्पत्यादि हे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। आइए हम आप सब भी ऐसे गोविंद के पाद कमलों को बारंबार प्रणाम करते हुए महाभागवत परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज का ध्यान करते हैं और नैमिषारण्य की पावन भूमि पर 88,000 ऋषि विराजमान हैं। नैमिषारण्य तीर्थ का एक नाम है चक्र तीर्थ, जहां पर चक्र आकर के रुका उसी का नाम चक्र तीर्थ श्री नैमिषारण्य होगा। नैमिषारण्य में 88,000 बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महापुरुष विराजमान है। श्री सूत जी महाराज व्यासपीठ पर परम सुशोभित हो रहे हैं। छोटी सी आयु है सूत जी की। बड़े बड़े सौनक जी हंजे से बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा, जिनकी दाढ़ी गड़ गई जमीन में भजन करते करते, वो सब नीचे बैठ करके कथा सुन रहे हैं। तो किसी ने पूछा, भाई इतना छोटा सा बालक इतने बड़े बड़े महात्मा सुन रहे, कुछ उल्टा नहीं लग रहा? कोई बड़े बूढ़े महात्मा को बैठा रहो जिसकी सभी दाढ़ी हो गई, ये बालक को नीचे उतारो। तो किसी ने कहा, भाई उम्र का कोई तकाजा नहीं है, ज्ञान तो देखो, सूर्य की भांति जिनका ज्ञान है, मतलब जिस प्रकार सूर्य निकलने पर अंधकार मिट जाता है, ऐसे ही सूत जी महाराज की वाणी से निकले हुए श्लोक और कथा निकलते ही अंधर का अंधकार भी मिट जाता है, ऐसे परम श्री सुखदेव सूत जी महाराज वहां विराजमान। श्री सूत जी महाराज को देख करके सोनक जी महाराज प्रार्थना करने लगे, महाराज हम सब जीवों के मन में घोर अंधकार व्याप्त है, अंधेरा भरा पड़ा है, काम क्रोध मोह लोभ ईर्षा खूब भरा पड़ा। अच्छा, आदमी होता भी बड़ा विचित्र, किसी से पूछो कहे भाई कैसे, महाराज हम बड़े दुखी हैं। दुखी क्यों महाराज? हमने तो आज तक काऊ को बुराव ना करो, भैया आगे के लगे बुराव नहीं करो तो भोग कह रहो, करो तो तेउने है तब तो भोग रहो। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जिस करही सो तस फल चाखा, जो जैसा करता उसे वैसे ही भोगना पड़ता। आप जो भी दुख भोग रहे हैं अपने कारण से भोग रहे हैं। रामायण में गोस्वामी जी लिखते हैं,
काहू न को सुखे दुखे करे दाता सुख दुख देने वाला क्या नहीं है? नहीं है। क्यों? कर्म प्रधान विश्वकारी उसी चौपाई रामायण में लिखी, जो जैसे कर रही सो तसे फल चाहा। आपने खेत में चना बोए तो चना ही काटेंगे, गेहूं नहीं काट सकते। आजी अडाजी, अब तुम सोचो महाराज चना का तो दाम गिर गया, ये उड़दा बन जाए, आगी के लगे न कटा। अब उड़दा कहां से बन जाए? चना बहुत रहे तो चनों काटोगे ना हो? आजी अडाजी बोले ना हो तो चना ही काटोगे ना? आदमी बड़ा खतरनाक है हमारा। कर्मण्यारण्य वादरेस्तु माफलेसु कदा। कर्म की महिमा है साहब, लेकिन आदमी धोखा, अरे धोखे की मत, धोखे पे हमें ध्यान है। एक कथा सुना, एक आदमी हो तो वो बेचारो बड़ो गरीब है, तो पैसा हते ना, एक दिन भगवान से बोलो भगवान हमें फायदा हो जाए 10% चढ़ा भी तुम। भगवान बोले सीधी कमीसा? आदमी बोले ओका 15 ले लो, भाड़ में जाए 15% दे, बढ़िया हो जाए फायदा। भगवान बोले खुशी रहो, फायदा हो जाए। अब महाराज हतो तो उनामी एक कंजूस, भगवान की कृपा भी 50-60 हजार रुपये हूँ, फायदा पागो। अब सोचन लगो कि अपने कर्म से मिलो कि भगवान ने दो। बोले मिलो तो कर्म से, लेकिन भगवान न देवी तो अगली बार भी घाटा में डाल। मैया महाराज नंबर एक को कंजूस हूँ, पहुंचो मंदिर में, सुने महाराज का करी दयालु कि एक डंडी खींच दई ऐसी रकीड़, और डंडी खींच के बोलो भगवान वैसे तो आप तो सर्वज्ञ हो, अब आप हम पैसन की का जरूरत, आप तो समाधि जरूरत, रकीड़ खींच के बोलो अब का जरूरत अब आप। और फिर बाद में बोलो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, है तो सब आप ही तो। हम आए लो राय सो तुम आए लो राय का दिन काटे। फिर बोलो नहीं 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 चढ़ावे की कही थी, चढ़ाने आए। बोले अच्छा महाराज सुन, जब रकीड खींच दई डंडी के इस तरफ जितने गिरे सो हम आए, हम फेंक रहे। भक्त बोलो बोलो महाराज हम जो पैसा जितने ले हैं तो जितना फायदा मिलो सो हम उमे से, डंडी के जितने ही तरफ गिरे सो वे हम आए, जितने ऊ तरफ गिरे सो वे हम आए। भगवान बोले ठीक है, इन्हें सोची फेंकने तो हम ही हाँ। महाराज ने ऐसे फेंके के 2-4 ठर्रा भर भगवान को दगाए, बाकी ये तो ही धरे रहे। बोले भगवान अभी ने मूर धर के परे पाऊ, बोले भगवान कछु भी कहा तुम बड़ी बड़े दयालु हो, ज्यादा नहीं लाए 2-4 लाए। और न लाए सो सब उठायो जेब में, एक पाछे ही से बड़ो बारो कंजूस खड़ो तो उन्हें देखो उन्हें देखो है, ये तो डंडी खींच के फायदे में चलो। बोले भगवान ज्यादा भी नहीं चढ़ायो, इसकी शर्त भी पूरी हो गई।
जो इन्हें डंडी पे ऐसो हाथ पर बोले भगवान हम तुम्हारे अपने बीच में कोई भेद नहीं पालना चाहते। बोले फिर भगवान बोले पर दक्षिणा कैसे दे। बोले हमने सुनी तुम ऊपर रहा सबको ऊपर की तो हम तो जे रुपया ऊपर फेंक भी ऊपर जितने राय सुबह तुम्हारे नेचे आ जाए सो हम आए। लो बताओ भाई भगवान बोले फेंक ही ना ले जासी तो फेंकत काहे है। बोले नहीं नहीं फेंक हमने शर्त लगाई थी आउले लाजो साहब ऊपर रुपया ऊपर जाए ना सबने चे। बोले भगवान तुम बड़े दयालु तो उन्हें फैला जे एक नहीं लाया आगे गए सो पहले बारों में लगा। बोले काहे बोले हमारे तो चार रुपया ले जे। बोले हमारे तो एक नहीं लाया। बोले काहे ऐसे ऊपर फेंके सो सब फेंक देने चाहे भगवान ने कहा हमें कहा करने ते खर्चा कर। बताओ भाई धोखा की बात देखो तो धोखा बड़ा विचित्र भगवान हम ही नहीं छोड़ते धोखा देने में। हम प्रार्थना करें भगवान को धोखा मत दीजिए भगवान की कथा सुनने का मौका मिले तो जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना मिलेगी काम से और कुछ वक्त ऐसा निकालो प्रेम करो हमारे घर से। जीवन जब तक रहना तब तक समय नहीं रहेगा इसलिए अभी मौका मिला तो 3-4 घंटे बड़े भाव से कथा सुनो। लोकल वाले टीवीएन पे कहे संस्कार पे घर बैठे देख बढ़िया आओ कथा प्रांगण में बैठो सुनो मुसीका भर बांध के आइयो। मुसीका जानते हो काल से सब मुसीका लगा के आना मास्क। साधक कहते हैं भगवान श्री सूति जी से सौनक जी कहते हैं महाराज हम सबके अंदर अज्ञान भरा हुआ है। क्या भरा है अज्ञान। महाराज आप कृपा करके हमारे इस अज्ञान को मिटाइए दया करिए। देखो भगवान सबकी बिगड़ी बनाने वाले हैं। क्या करने वाले हैं सबकी बिगड़ी बनाने वाले हैं। अच्छा एक भाव बड़ा गुनगुनाना है गालिया जाए जल्दी तो नहीं है तो मोरन है जल्दी की आए हाथ उठाओ रोड खोलो है सो कर जाइयो। अरे सबकी नैया पार लगैया कृष्ण कन्हैया साब रे सबकी नैया पार लगैया कृष्ण कन्हैया साब रे गोपिन के चित चोरैया मनमोहन घन श्याम रे ब्रज गोपन के चित चोरैया मनमोहन घन श्याम फिर कहिए श्याम धुन लागी गोपाल धुन लागी श्याम धुन लागी गोपाल धुन लागी राधा धुन लागी कन्हैया धुन लागी राधा धुन लागी कन्हैया धुन लागी। जब आप प्रतिदिन कथा सुनोगे तो आपको भी ठाकुर की धुन लग जाएगी। क्या लग जाएगी धुन लग जाएगी। अभी नहीं लगी इसलिए दोनों हाथ उठा करके अरे वो
चलाए धेनु बजाए वेणु रचाए रास रे रचाए रास रे जो श्याम चलाए धेनु बजाए वेणु रचाए रास रे रचाए रास रे प्यास उसी की लगी दिया में जगी उसी की आस रे को चार हाँ तो ढाके में था तो ताली पड़ोसी बजाए दमोई बारे का सदर जा ऐसे उठाओ दो यहां मस्ती में झूमते हुए Thank you.
किसको लगी अभी बताओ जरा, कौन मस्ती में डूबना चाहता है? तो बड़े कंजूस हो, ऐसे डूबोगे? कौन हाथ उठा कर गए? राम धुन लागी कन्हैया धुन लागी, राम धुन लागी कन्हैया धुन लागी, राधा धुन लागी मोहन की धुन लागी, राधा धुन लागी मोहन धुन लागी, सब की नैया पार लगैया कृष्ण कन्हैया राम रे, ब्रज गोपिन के चित चुरैया मन मोहन मन जाम रे, मीठा गाते हो, कृष्ण कन्हैया सांबरे, कृष्ण ब्रज गोपिन के चित चोरैया मन मोहन घनश्याम रे, ब्रज हा हा पीछे वाले भी अगली बार बनना मेढक बनोगे हाँ, ब्रज गोपिन के चित चुरैया मन मोहन घनश्याम रे, ब्रज गोपिन के। और आज की कथा सुन के गाते हुए कहना, श्याम धुन लागी कन्हैया धुन लागी, श्याम धुन लागी कन्हैया धुन लागी, राधा धुन लागी माधव की धुन लागी, राधा धुन लागी माधव की धुन लागी, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बाबा कहते हैं कथामृत सा मृत रस स्वाद कूसला, सोनकादिक ऋषि कहते महाराज हमारे अंदर जो अज्ञान भरा पड़ा उसे आप मिटाइए अपनी कथा सुन करके, सुना करके ठाकुर की वार्ता सुना करके इस अज्ञान को मिटाइए। मुस्कुरा दिए श्री सूति जी, वाह अद्भुत प्रश्न किया। ये संसार का नाम है संस्कृति इति संसारः, जो प्रतिदिन खिसकता ही चला जा रहा इसी का नाम तो संसार है। हाजी या ना जी, आज निकल गया है, अब ये लौट के आने वाला नहीं है, अब तो कल आएगा तो कल देखा जाएगा। और कल देखा किसने, पता नहीं कल मिले या ना मिले। कई लोग कहते महाराज बुढ़ापे में सुन ले भी कथा, बेकार जवान है खेलने खाने दो, आगे के लगे साइकिल पे कट है कहते बुढ़ापे लो जिंदा रहे, पहले ही टपक गो फिर इसे भैया भाई सुन लो, जब जागो तभी सवेरा। कोई आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है कि आप इतने साल जिएंगे? नो, कथा ही एक ऐसा सार है जो आपके मन के अंदर के अज्ञान को मिटा सकती है, और कथाएं आपको काल व्याल से बचा सकती है, काल के मुख से बचाने वाली। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरे भा।
कलयुग में केवल श्रीमद् भागवत गाथा एक ऐसी है जो आपको काल व्याल के मुख से बचा सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप मरेंगे नहीं, मरेंगे तो, पर जीते जी ही मुक्त हो जाएंगे। बोलो सीताराम। इसलिए ध्यान रखें, भगवत चर्चा, भगवत कथा सुनने का जब जब मौका मिले तब तब छोड़ना नहीं चाहिए। प्रतिदिन भगवत चर्चा को श्रवण करना चाहिए। और इस संसार के मृत्यु के भय से बचाने के लिए ही परम पूज्य श्री वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत रचना की और सुखदेव जी महाराज ने अपनी मीठी वाणी से इसे जन जन तक पहुंचाया। सुखदेव जी हैं सुकावतार। सुकमाने होता है तोता। सुकमाने क्या होता? तोता। तोता जिस फल में अपनी चोंच लगा दे तो व्यक्ति दूर से बता देता भैया ये मीठा है, हाँ जी या ना जी, पक्का ना। उसी प्रकार भागवत में भी सुखदेव रूपी श्री परमहंस महाराज जी ने अपना मुख लगा दिया, अपने मुख से इस गाथा को गा दिया, तो अब तो संदेह की बात ही नहीं कि ये कड़वी होगी, ये तो लबालब मीठी भरी पड़ी भागवत है। किसी ने कहा कि महाराज ये गारंटी थोड़ी है कि आपकी भागवत मीठी हो, इसलिए हमने आज जो मंगलाचरण के बाद कीर्तन गाया वो गाया भी क्या, अधिरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। भगवान मधुर है, भगवान की लीला मधुर, भगवान का गायन मधुर, नित्य मधुर, सक्षम मधुर, गोपी मधुर, तिलक मधुर, रूपम मधुरम, तिलकम मधुरम, भगवान का सब कुछ मधुर है। और उन मधुर की फिर जब गाथा गाई जाए भला वो कहुना मधुर होगी। शक्कर का कोई भी पदार्थ बनेगा तो क्या बनेगा, मीठा ही बनेगा ना, हाँ जी या ना जी। शक्कर का पदार्थ कभी कड़वा सुना आप? शक्कर का पदार्थ मीठा बनेगा, और ठाकुर जी मीठे हैं तो ठाकुर जी की गाथा भी तो मीठी ही होगी। तो भागवत परम मीठी है महाराज, जो सुने वो दीवाना हो जाए ठाकुर का। और सुने श्री सूत जी महाराज वार्ता को बढ़ाने लगे। महाराज इस कथा की महिमा तो सुनिए, जब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाने लगे तो देवता अमृत का कलश लेकर आए। महाराज एक काम कीजिए, ये अमृत का कलश है, आप ये परीक्षित जी को पिला दीजिए, पर ये भागवत हमें दे दीजिए। क्यों? ये अमृत पिएंगे तो ये मरेंगे नहीं, और कथा अमृत हम पिएंगे। परीक्षित जी से सुखदेव जी ने पूछा, राजन बताओ क्या करें? राजन बोले, महाराज फायदा किसमें, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा, फायदे का सौदा बता दो। सुखदेव जी बोले, राजन वैसे फायदा तो भागवत में। अरे देवता बोले, पगले आ गए होगा महाराज, अमृत समुद्र मंथन से जो निकला उसमें ये मरेंगे नहीं, जो सातवें दिन तक्षक नामक नाग के काटने से मृत्यु का भय है वो दूर। सुखदेव जी बोले, राजन बात तो सही कह रहे हैं देवता, पर फायदा भागवत में है। बोले क्यों? बोले ये बात ठीक है, अमृत पीने से तुम मरोगे नहीं पर मृत्यु के भय से बच नहीं पाओगे, और अगर कथा अमृत पियोगे तो मृत्यु के भय से मुक्त हो जाओगे और गोविंद को भी पा जाओगे। अब बताओ क्या करना है। महाराज आपने कह दिया, पर महाराज अंतर क्या है? बोले अंतर कुछ नहीं, अमृत भी पीना पड़ता और कथा भी पीनी पड़ती। महाराज दोनों पीनी पड़ती, कथा तो सुननी पड़ती, नहीं नहीं पीनी। कैसे? अमृत को मुख से पिया जाता है और कथा अमृत को कानों से पिया जाता है। महाराज अब तो हम फायदे का सौदा अपनाएंगे, अमृत कैंसल, भागवत कथा अमृत रसपान करेंगे। देवता नाराज हो गए, राम 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 राम, हम इतना भारी अमृत का कलश लेकर आए, हमें मना कर दिया। ब्रह्मा जी के पास तन फनाते हुए गए, ब्रह्मा जी आज के बाद हम काऊ की सहायता ना करें, का होगा, देखो तो अमृत को लौटा दिया, हमको भी लौटा दिया। महाराज ऐसा भागवत में है क्या? ब्रह्मा जी बोले, सात दिन में परीक्षित की गति देख लो, होत का है। और जब देखा कि परीक्षित जी जीते जी ठाकुर जी के चरणों में जुड़ गए, देवता जय जय करने लगे। फिर भी देवता तो देवता है, बुद्धि काम नहीं आई तो भागवत को तौलना चाहा, एक तराजू के पल्ले पर भागवत को रखा,
दूसरे तराजू के पल्ले पर अन्य अन्य सदग्रंथ रखे महाराज, अनेक अनेक सदग्रंथ। और जब तराजू को उठाया तो लघु निन्यानी जातानी गौर बेर इदम महत तदारिसी गणः सर्वे विस्मयम् परमं ययु। जब तराजू के पल्ले को उठाया तो सारे सदग्रंथ ऊपर उठकर गए, चले गए, पर भागवत भगवान डिग भी ना सके, ज्यों के त्यों तराजू पर रखे रहे। आहा हा हा हा, अब तो देवता समझ गए धन्य है भागवत भगवान। और बात भी सही, क्वा स्वधा क्वा कथा लोके क्वा काचहा क्वा मणिर महान। भागवत का प्रथम महात्म के प्रथम अध्याय का 16वां श्लोक, क्वा स्वधा क्वा कथा लोके क्वा काचा क्वा मणिर महान। ब्रह्मरातो विचारयेवम् तदा देवाञ्जसा। आपने देखा होगा कांच, कांच में और मणि में ज्यादा अंतर नहीं है, प्रायः दोनों ही चमकते हैं। हाँ जी अनाजी, पर क्या दोनों का मूल एक सा होता है? जवाब दीजिए, नहीं होता ना। एक होता असली प्रोडक्ट, एक होता नकली प्रोडक्ट। असली से ज्यादा नकली प्रोडक्ट की बढ़िया पैकिंग होती है, पर क्या नकली प्रोडक्ट की दवाई काम करती है? तो कहां मणि और कहां कांच, अमृत है कांच और भागवत कथा अमृत है मणि। ये तो आपको नहीं, आपके पुरखों को भी तार देगी। हाँ, और बात ऐसी नहीं है, अद्भुत बात है। भागवत की महिमा के बारे में आगे बताया कि एक बार एक दाही विशालाया चत्वार रसयो मला सत्संगार्थं समायाता तत्रोस्त्रतना। एक बार विशालापुरी नाम है बद्रीनाथ, बद्री नारायण धाम में श्री नारद जी पहुंचे। वहां पर उनके चारों भाई भी घूम रहे थे, सनत सनंदन सनातन सनत कुमार। ये ब्रह्मा जी से बड़े भैया हैं, सनत सनंदन नारद जी के बड़े भैया हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, सनत सनंदन सनातन सनत कुमार। नारद जी भी गए, जब नारद जी भी गए और नारद जी ने भी देखा, प्रणाम किया चारों अग्रजों को और दूर जाकर के नारद जी खड़े हो गए। खड़े भय तो चारों कुमारों ने नारद जी की दशा देख करके नारद जी से पूछा, कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवा। नारद जी, तुम्हारा मुंह क्यों लटका है? मुंह लटकाए क्यों खड़े? कुछ कारण है? अरे ऐसे लग रहा है जैसे तुम्हारी किसी ने संपत्ति लूट ली हो और तुम्हारे पास लूटने के लिए है भी कुछ नहीं। बीना भर अपने पास रखते हो, बाकी कोई संपत्ति है भी नहीं। जहां मिल जाता सो पा लेते हो, वरना नारायण नारायण में मस्त रहते हो। अपने रहने के लिए आपने झोपड़ी तक नहीं बनाई और आप चिंता में घूम रहे, क्या कारण है? देखो, संतों का धन बिल्डिंग गाड़ी मटेरियल नहीं होता, साधुओं का धन, वैष्णवों का धन, भगवान के भक्तों का धन केवल भगवान नाम का विश्वास और भगवान नाम का जप होता है। वृंदावन के एक बाबा हुए पूज्य श्री माधव बाबा, बरसाने में रहा करते थे महाराज, जो ब्रज भक्तों की चर्चा आई जिस पुस्तक में, क्या नाम है,
ब्रज के भक्तों की चर्चा दयालु, उसमें बड़ी सुंदर चर्चा आई एक, हमें बड़ा प्यारा प्रसंग लगा। वृंदावन के महाराज एक बाबा हुए जिनका नाम था माधव दास। ये अपने मुख पर सदैव हरे कृष्ण, हे श्यामा जी, हे कुंज बिहारी, हे बिहारी रंजू, हे माधव, हे मोहन, हे मुरारी, महाराज नित्य जपते थे, वो खूब जपते थे। एक दिन महाराज माधव दास बाबा जो वृंदावन बरसाने वाले थे, उनका काम था मधुकरी करके भोजन पाना। शाम के समय ब्रजवासियों के घर पे चले जाते, जो दो चार रोटी जो भी जिसके घर बना हो एक घर से मांगते, उसको ला करके पा लेते साहब। लेकिन हम उनके मुख पर सदैव हे माधव, हे मोहन, हे कुंज बिहारी, राधे, हे स्वामी जू, हे बिहारी जू, अब कृपा करो, अब कृपा करो। और दिन रात महाराज वो रोते रहते, रोते रहते, रोते रहते मोहन की याद। एक बार बाबा शाम हो गई, माधव बाबा को मधुकरी करने एक बगल के गांव में गए। शाम के समय मधुकरी में खूब प्रसाद मालपुआ मिला उन्हें, झूमते हुए मालपुआ पाया और ठकुरानी को भोग लगाया। गली में बैठ गए और ठकुरानी को भोग लगाया। महाराज भोग लगा करके फिर वही काम था उनका, हे माधव, देखो जिस जीव का हृदय और अखियां माधव का नाम लेने से हृदय गदगद ना हो में और अखियां भरवे ना, उसकी प्रीति में अभी कमी है। इनके मुख पे तो इनके आंखों से आंसू कभी बंद नहीं होते। गाने लगे कीर्तन, हे माधव, हे मोहन, हे मुरारी। महाराज शाम हो गई, संध्या झूली ज्यादा पड़ गई तो दिखाई पड़ता नहीं था। तो महाराज अब ये शाम के समय वापस झोपड़ी में गए, वहां लता पताओं के बीच में, देखो फक्कड़ तो फक्कड़ होते साहब, साधु तो साधु होता, उनका तो अंबर ही घर छत होता है, अंबर आसमान ही उनका छत होता। लता पताओं में आ गए, रस्ते में महाराज एक भिसेले नाग ने डस लिया। गली से चलते जा रहे थे और ये इतने तल्लीन रहते थे राधा नाम में, माधव के नाम में, कि इन्हें वाहिक जगत का कोई भान नहीं रहता, इतने माधव नाम में डूबे रहते। वाहिक जगत कौन क्या कह रहा, क्या बक रहा, हम कहां से जा रहे, वो तो राम भरोसे कुटिया पहुंचते थे, राम भरोसे कुटिया पहुंचते थे साहब। गए, बाहिक जगत का भान तो था नहीं, ये अभी की घटना है, सत्य घटना आपको बता रहे हैं हम आप, कुछ दिन साल पहले की। महाराज बाबा को एक विषैले नाग ने काट लिया। अनंत देव जी, अनंत दास इनका एक और नाम था, अनंत देव परंपरा के भी थे। नाग ने काटा तो थोड़ी चेतना जगी, जब इन्होंने गौर से देखा तो काला नाग, और जैसे ही नाग ने काटा तो ये भयभीत नहीं हुए। वहीं बगल में एक शिला थी, शिला पे जाके बैठ गए और मनी मन सोचने लगे, आज हमारा कन्हैया कालिया नाग बनकर आया। तो किसी ने कहा, बाबा, भीतर से किसी ने जवाब दिया, बाबा तुझे काटा है? अरे बोले, ये कालिया नाग है, मेरा कन्हैया तो भीतर बैठा, काटने वाला कालिया नाग है, भीतर बैठने वाला अभी नाथेगा कुछ देर में, नाथेगा, नाथेगा। हमारा जी पत्थर की शिला पर बैठ करके इतने तल्लीन हो गए कीर्तन में कि हे माधव, हे मोहन, हे मुरारी, हे कुंज बिहार किशोरी, एक सोची। अब और मन लगने लगा और ढाई दिन तक इन्हें होश नहीं रहा कि कितना कीर्तन गाया। ढाई दिन बाद जब आए, थोड़ी सी चेतना में, तो झाड़पाड़ में वहां कोई आता जाता तो था नहीं, खुद से चेतना आई, भजन से बाहर निकले,
तब इन्हें पता लगा कि हम तो दो दिन से हम झोपड़ी गए ही नहीं, ठाकुर जी वहीं रखे। बाबा ने अपने शरीर को देखा, जब निशान को देखा तो महाराज जिस नाग ने काटा था भगवान नाम की ये महिमा कि वो नाग सामने बैठा बैठा उसके अश्रुपात हो रहे थे और बाबा सामने देख रहा और बार बार वो फन से फुसकारते हुए बार बार बाबा को वही नाग प्रणाम कर रहा था। बाबा रो दिए, रोते हुए बाबा कहते हैं माधव तुमने नाथ दिया, तूने नाथ दिया। और महाराज ये जितने वर्ष तक जीवित रहे उस दिन के बाद फिर उन्होंने मधुकरी भी छोड़ दी। बोले आवाज से हम मधुकरी भी नहीं लेंगे, जो आ जाएगा तो पाएंगे, नहीं तो गोविंद अपने आप पवाएगा, नहीं तो जल्दी शरीर छूटे तो और अच्छा। घर पे कुटिया में आके बाबा रहने लगे तो जो आसपास के ब्रजवासी बाबा को जानते थे वो कभी कभी मधुकरी लावे बाबा को दे दे, पर बाबा तो हे माधव हे मोहन हे कुंज ब्रहारणी मैं एक बात बोलूं, वो भक्त भक्त नहीं जिसके जिह्वा पर हर पल अपने माधव का नाम ना रहे किसी काम का। साधु आपको भी संसार के प्रत्येक नाग से बचना है, आजकल काले नागों से ज्यादा ये बिना दांत दिखने वाला बिना फुसकारने वाला नाग बड़ा खतरनाक है, मानव इससे बचना है तो हरि नाम जपो साहब, हरि नाम जपो। इस संसार में जितने मुंह वाले दिख रहे ना ये तब तक प्रेम करेंगे स्वार्थ लाग करें सब प्रीति तब तक अपना मानेंगे जब तक तुम इसके कुछ काम के लायक हो, और ये तो और खतरनाक है। नाग काटता है तो पहले फूसता है फुफकारता है, ये मुंह वाला आदमी रूपी नाग इतना खतरनाक है ये फुफकारता नहीं है सीधा काट देता, डेड होने के बाद पता लगता कि आदमी रूपी नाग में। प्रार्थना करूं नाम संकीर्तन में बहुत ताकत साधन, किसमें नाम संकीर्तन में बहुत ताकत, खूब गाओ खूब गाओ खूब गाओ। वैष्णव जितने हैं माला अपने पास रखो, जितने वैष्णव हो सब अपने पास माला रखो। हमारे दयालु हमेशा बोला करते हैं महाराज जी ये हथियार है, हथियार साथ में रहेगा तो कभी ना कभी अवश्य चलेगा, माला रखोगे तो कभी ना कभी धोखे से एक बार खिसक जाएगी, और खिसक जाएगी तो तुलसी बाबा कहते तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या थी, और खेत पड़े को जानी है उल्टो सी तुलसी मेरे राम को रीज भजिया खींच। खेत में खेत पर गिरा हुआ बीज जमता है, उसी प्रकार कथा में आओ आप, चाहे तुम्हें कोई जबरदस्ती बुलाए चाहे चमत्कार के बलबूते पर आओ या नाम के बलबूते पर आओ, साहब हमारा काम कथा में बुलाना ताकि तुम सुनो और नाम गाओ ताकि धोखे से सही तुम्हारा कल्याण तो हो जाए। हमारा कथा करने का और कोई मतलब नहीं साहब, दास का कथा करने का और कोई मतलब नहीं, ये हनुमान जी साक्षी हैं, हमारा कथा करने का सिर्फ इतना मतलब है बागेश्वर धाम के जितने अनुयायी हैं देश में जितने महानुभाव हैं कथा के माध्यम से सही, इसीलिए दरबार लगाते कि दरबार में तो सब आते पर कथा में नहीं आते, दरबार में तो सब आते हैं वहां तो दरबार में कल देख रहे हैं आप हाउसफुल मिलेगा, यहाँ पैर रखने के लिए जगह नहीं होगी, और अभी कईयों को अपनी घरबाई की याद आ रही होगी, कईयों को इनको भी रोटी बनाना होगा, तो कथा में बहुत कम प्रीति जगती, इसलिए कथा के मध्य में ही हम इसलिए दरबार लगाते हैं कि कथा तो ठीक दरबार तो ठीक है, कथा में अगर वो धोखे से भी नाम ले ले तो वो तर जाएगा, दरबार की जरूरत नहीं पड़ेगी, चलते फिरते तुम खुद दरबार हो जाओगे। नाम जपत मंगल दिशि दसो, रामायण कहती है बाबा नाम जपते ही दसों दिशाओं में मंगल होता है साहब, नाम जपो खूब जपो
उल्टा सीधा, जब मरा मरा कहकर के वाल्मीकि तर गए तो तुम राम राम कहकर नहीं तर सकते क्या? उल्टा नाम जपऊ जग जाना, उल्टा नाम जपऊ जग जाना, वाल्मीकि भय धर्म सवाना, वाल्मीकि भय धर्म सवाना, उल्टा नाम जपऊ जग जाना, उल्टा नाम जपऊ जग जाना, वाल्मीकि भय यस्य सर्व पाप प्रणाशिनम् प्रणाम दुख समनम् नमामि हरि वरम् यत् फलम् नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत् फलम् लभते कलौ केशव कीर्तन राधा 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 जग जाएगा। हाँ, वीआईपी जो खड़े सामने, जो सामने खड़े, ऐसे करो हाथ, मत बजाना, सौगंध है तुम्हें। श्रम का परम धन ये है क्या? राधा 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 राधा। किस किस का ये धन है बताओ? राधा राधा, आज बता रहे हो कल चुनाव लड़ोगे तो अपनी संपत्ति अखबार में तुम लिखवाओगे 4 करोड़। अरे साहब, कभी लिखवाने का मौका मिले तो बता देना कि हमारा सबसे बड़ी संपत्ति गुरु कृपा है। कभी लिखवाने का मौका मिले, कोई पूछे तुम कितने बड़े आदमी हो, कहना हम इतने बड़े आदमी हैं कि जिनसे सारा संसार चलता, हम उनके भक्त ठाकुर जी। अब इससे बड़ा आदमी भला कौन हो सकता साहब? तो नारद जी को चारों कुमार पूछ रहे, कथा पे फिर आओ वापस। कथम ब्रह्मन् दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो। आपका मुख क्यों लटका हुआ नारद जी? संतों का क्या धन होता है? संतों का तो भगवान नाम ही धन होता है। भगवान नाम को ना तो कोई चोरी कर सकता, ना कोई ले जा सकता, ना भाई बांट सकता, फिर क्यों चिंता व्यर्थ की करते हो? नारद जी बोले, महाराज हम चोरी ओरी नहीं भैया, इसलिए चिंता में नहीं है। एक बड़ा लंबा लफड़ा फंस गया। भैया क्या फंस गया? बोले महाराज, हम आए थे इस लोक में संसार के लिए,
सत्संग के लिए, इस संसार में सत्संग के लिए आए थे। ये कौन सा लोक है जहां तुम बैठे हो? हाँ, भूलोक भी, मृत्यु लोक, पृथ्वी लोक भी, मृत्यु लोक भी, यही नाम है। हाँ, क्या नाम है? मृत्यु लोक। क्या नाम? हाँ, कुछ अपने 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 घर वालों का नाम मत बता देना। हाँ, तो ये इसका नाम मृत्यु लोक है। मृत्यु लोक का मतलब जानते हो? आया है सो जाएगा राजा रंग के फकीर, कोई सिंहासन चढ़ा कोई बंधा जंजीर। सब आएंगे, जितने आए हैं सब जाएंगे। घर नहीं उस घर, इस घर से भी बड़ा उस एक दूसरा घर है जहां एक ना एक दिन जाना पड़ेगा। न गाड़ी होगी ना घोड़ा, वहां पैदल ही जाना होगा। इसलिए लोक का नाम मृत्यु लोक। नारद जी कहते हैं हम भी आए सत्संग करने। फिर क्या हुआ? महाराज खूब घूमे, पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुवन एवमादेशुती सब जगह गए। हरि क्षेत्र गए, श्री क्षेत्र गए, कुरु क्षेत्र गए, श्रीरंगम सेतु बंदनम एवं आदेशु तीर्थेशु ब्रह्मांड इतस्ततः। सब जगह गए। नारद जी क्यों गए? सत्संग करने। पर सत्संग नहीं मिला क्या भैया? अरे महाराज, जितने सत्संगी मिले सब पाखंडी मिले। पाखंड का मतलब क्या? पापस्य खंडा सपाखंडः। पाप का ही जो खंड है वो पाखंड है। नारद जी तुम्हारे साथ? अरे महाराज हमारे साथ नहीं, बड़े बड़े अमलात्मा महात्मा देखे हमने। बोले फिर क्या? बोले हम एक जगह गए, 10-12 बिल्डिंग ऊंचा आश्रम बना हुआ था। हमने जब सैन बोर्ड पढ़ा तो दिमाग खराब हो गया। बोले क्यों? बोले सैन बोर्ड पर बाहर लिखा था त्यागी बाबा का आश्रम, नाम त्यागी बाबा। एकदम ऐसा टावर बनाए हुए कि ऊपर से कोई छलांग लगाए तो नीचे हड्डियां भी चकनाचून हो जाए। और जब त्यागी जी हैं तो 12 मंजिल की क्या जरूरत? तो बोले नारद जी, बोले कि हमने कहा यहां भी रुकना बेकार है, दूसरी जगह चलते हैं। नारद जी बोले भैया हम दूसरी जगह गए, एक महात्मा गली में मिल गए। हमने कहा तुम लेवा चलो, कहीं सत्संग हो जाए, कोई साधु बढ़िया बताओ। तो दूसरे संत के पास गए तो आफत हो गई। बोले क्यों? बोले 20-25 भगवा रंग के कपड़े सूख रहे थे। हमने कहा यहां ज्यादा महात्मा रहते होंगे। दूसरे महात्मा ने कहा नहीं, एक ही महात्मा रहते हैं। बोले अच्छा, इनका नाम क्या है? बोले इनका नाम है नांगा बाबा जी। नारद जी बोले हमारा माथा गरम हो गया, नाम नांगा बाबा जी, कपड़े 12 जोड़ी, जय हो। नारद जी बोले हमने सोच लिया यहां से भी खिसक लो। तीसरी जगह गए, छोटे छोटे 12-12 साल के बच्चे यज्ञोपवीत पहने हुए, बढ़िया थापक थुआ चंदन लगाए हुए, चमचमाता हुआ चेहरा दिखा। हमने कहा वाह बड़े सुंदर बालक हैं, लगता है ये किसी विद्यालय के हैं। तो दूसरे महात्मा ने जवाब दिया, बोले नहीं ये एक बाबा जी के हैं। बोले इनका नाम क्या है? बोले इनका तो नाम पता नहीं पर इनके पिताजी का नाम पता। बोले क्या? बोले ब्रह्मचारी जी। नारद जी बोले हमें तो पसीना आ गया, जय हो, नाम ब्रह्मचारी जी और पूरी क्रिकेट टीम तैयार करके धर दई। नारद जी बोले अबे तन से भी खिसक लो, ये ते भी काम चलवे वारो नन्या। बोले महाराज चौथी जगह पर गए। भैया चौथी जगह पर गए, शाम हो गई तो सोने की समय आ गया, तो एक जगह जाके आश्रम के बाहर लेट गए कि सत्संग तो मिला ही नहीं, आराम कर ले। आराम करने एक आश्रम के बाहर लेटे तो भारी शोर हुआ रात को। नारद जी बोले हमारी नींद खुल गई, हमने बगल वाले साधु को जगाया, भैया ये किसका आश्रम है? जवाब आया ये मौनी बाबा जी का आश्रम है। नारद जी बोले बड़ा लफड़ा, नाम मौनी बाबा, शोर इतना के आसपास का मोहल्ला भी ना सो पाए। नारद जी बोले भाड़ में गो चलो।
नारद जी बोले भैया अब हमने संतों का तो हाल देख लिया, सोचा गृहस्थियों के पास जाया जाए, ये कोई सत्संग करेंगे। तो बोले तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही कली कौतुक ताते न जाते कही। तपसी तो धनवान हो गए पर जितने गृहस्थी हते वे दरिद्री हैं, इनमें भी कोई दिक्कत नहीं, काम चल जाए। अब हमने सोचा कि किसी गृहस्थ के घर पे जाएं, सत्संग पूछें। लेकिन नारद जी बोले गृहस्थों में बड़ी आफत, माता पिता की सेवा तब तक जब तक देवी जी नहीं आ गई हो, जहां ब्याह भाव देवी जी आ गई सो मताई बाप बाहर बैठे उल्लू की भांति दो जने भीता। नारद जी बोले हमें और लफड़ा लगा, हमने कहा इनके यहां भी सत्संग मिलने वाला नहीं है और जब तक मताई बाप की पूछ जब तक देवी जी नहीं और जहां विवाह भया तो फिर कोई भी काम होना हो तो माता पिता से नहीं पूछा जाता, स्पेशल फोन ससुराल में साले साहब को लगाया जाता। हेलो बताओ साले साहब हम गाड़ी उठाना चाहते रेड उठाएं कि ब्लैक ठटरी के बरे है? मताई बाप बैठे होने तुम पूछ नहीं रहो, गुरु जी बैठे होने ते मान नहीं रहो, उनसे पूछ सारे साहब हाँ पूछ चल रहो, दीवाल बिगाड़े आरो घर द्वार बिगाड़े सारो। हाँ अब जितने सारे तो हम भी हैं कहू के तुम ना बरो मान माओ हाँ के काल के दिन अपन लठ लेके मिले गली तो महाराज जो कहा कथा में जो कहा काटते आप हो जाए उनसे डेढ़ हड्डी के भैया पर हमारे वृंदावन के कथा व्यास थे उनने हमें ऐसा बताओ तो दीवाल बिगाड़े आरो घर द्वार बिगाड़े सारो। तो माता पिता की पूछ तब तक जब तक श्रीमती जी नहीं आ गई हो, श्रीमती जी आ गई तो माता पिता को भी नहीं पूछा जाता, बड़ा विचित्र जमाना आ गया। नारद जी बोले तरुणी प्रभुता आगे हे श्याल को बुद्धिदायका कन्या विक्रेणो लोभा दंपतिनां चकलकनम। आहा इसका नाम है कलयुग, ऐसे कलयुग के गृहस्थी हैं कि लोग अपनी बेटी का भी सौदा कर देते हैं, बेटी को भी बेच देते हैं, बेटी का भी कमाई का भोजन करते हैं, ऐसे भी इस संसार में लोग हैं। तो नारद जी बोले भैया हम समझ गए कि यहां कहीं पर भी सत्संग मिलने वाला नहीं है। नारद जी सोचने लगे क्या किया जाए, तो बोले हम घूमते घूमते आप तक आ गए तब तक मन में विचार किया वृंदावन जाया जाए। गृहस्थियों के बाद हम भैया वृंदावन गए और वृंदावन गए तो हमने एक आश्चर्य देखा। बोले क्या तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वर एका तु तरुणी तत्र निशन्ना खिन्नमालसा। एक आश्चर्य देखा। बोले क्या वृंदावन में एक वृक्ष के नीचे एक युवती स्त्री बैठी। हमने सोचा वृंदावन तो भक्तों की नगरी है, नारद जी ने सोचा वृंदावन तो भक्तों की नगरी है यहाँ तो सत्संग मिल ही जाएगा। पर उन्होंने एक आश्चर्य देखा, एक वृक्ष के नीचे एक स्त्री बैठी है, उसकी दोनों जंघों पर दो वृद्ध लेटे हुए हैं, वो स्त्री रो रही और बहुत सारी स्त्रियां कोई पंखा झुला रही कोई आंसू पोंछ रही कोई पानी पिला रही है पर वो रोए जा रही। नारद जी बोले भैया हमने सोचा पास में जाया जाए पूछा जाए कि देवी जी क्यों रो रही क्या कारण है। नारद जी बोले भैया हम आधे दूर दूर तक तो गए पर वापस लौट आए, क्यों सोचा कि सब स्त्रियां ही स्त्रियां बैठी कहीं हम पहुंच जाएं। और कहने लगे महाराज तुम्हें क्या लेना देना, हम स्त्रियों के समूह में तुम कैसे आए और दह थपाड़ा लाल कर दें तो गड़बड़ हो जाएगा। नारद जी बोले भैया तो हमने मन में विचार किया वापस हो, जैसे ही वापस होने लगे तो वो स्त्री चिल्लाई भो भो साधो क्षणम मत चिंता बिना दर्शनम तौलो
महात्मन रुकिए रुकिए रुकिए। नारद जी कहते हम रुक गए। अब वो चिल्ला करके बोली, अरे महाराज रुको, हमने सुना संतों के तो दर्शन मात्र से ही दुख भाग जाता। तो हम रुक गए, हम नजदीक पहुंचे। देवी क्वा तुम, कौन हो तुम, क्यों रो रही, कायमा, और ये जो देवियां खड़ी हैं ये क्यों खड़ी हुई हैं, ये जो दो वृद्ध तुम्हारी जांघों पर लेटे ये कौन है। बद देवी साविस्तारस्य स्वस्य दुःखस्य कारणम्। देवी आप अपने दुख का पूर्व वृतांत विस्तार पूर्वक बताइए। महाराज उस स्त्री ने अपना बड़ा सुंदर परिचय दिया, सुनना ध्यान से। उसने क्या परिचय दिया, अहम भक्ति ऋतौ ख्याता इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ कालयोगे जर्जरो। महाराज मेरा नाम है भक्ति, ये जो दो वृद्ध लेटे हैं ये और कोई नहीं हमारे बेटे हैं। अच्छा हाँ, ये हमारे बेटे हैं महाराज। अब बड़ी बात ये है कि माता जवान हैं और बेटे बूढ़े हो गए हैं। नारद जी बोले, बताओ तुम जवान हो, बेटा तुम्हारे बूढ़े हो गए, क्या कारण है। महाराज ये कलयुग का प्रभाव है। अपना पूरा परिचय भक्ति देवी ने दिया। बोले महाराज ये कलयुग का प्रभाव है, विडंबना बड़ी विचित्र है, परंतु वृंदावन में प्रवेश करते ही मैं तो जवान हो गई, पर मेरे दोनों बालक ज्ञान और वैराग्य अभी के अभी भी बूढ़े हैं। एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य है। अच्छा हाँ महाराज, अब आप ही कोई उपाय बताइए। अगर आपने उपाय नहीं बताया तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्मते मया, इस स्थान को त्याग करके मैं विदेश भाग जाऊंगी। नारद जी बोले, देवी जी तुम भी अगर विदेश चली गई तो वह भारत में कौन रहेगा, आफत हो जाएगी, चिंता मत करो। देवी ठाकुर जी के चरणों का ध्यान करो, श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मृति दुखम गमिष्यति, भगवान के चरणों का ध्यान करो, दुख अपने आप भाग जाएगा। अच्छा हाँ, भगवान दुख को भगाने वाले हैं, पीड़ा को हरने वाले हैं। भक्ति महारानी कहती, महाराज खूब चूरन चटनी जितनी थी सब लगा ली, पर आज तक कुछ नहीं हुआ। नारद जी बोले, हम प्रयास करते हैं। गीता पाठिर मुहुर मुहुर, गीता का पाठ किया नारद जी ने, एक बार नहीं बार बार। गीता का पाठ जैसे ही कान में जाए ज्ञान और वैराग्य के, तो थोड़ी देर के लिए तो चेतना जगे और फिर मूर्छित तो हो जाए ज्ञान और वैराग्य। नारद जी नाराज हो गए, बड़े आवेशित होकर के बोले, रे ज्ञानम प्रबुद्धताम, रे वैराग्यम प्रबुद्धताम, अरे ज्ञान उठो वैराग्य उठो, दोनों नहीं उठ रहे। नारद जी चल पड़े, तब तक आकाशवाणी हुई, अरे नारद जी आपको ज्ञान और वैराग्य की मूर्छावस्था खोलनी है तो सत्संग करिए। आकाशवाणी ने यह तो बता दिया सत्संग करिए, पर कौन सा सत्संग करिए ये नहीं बताया। तो नारद जी बोले, भैया आकाशवाणी ने भी गोल मटोल बात बताई। अब हम सोचने लगे कौन सा सत्संग करें, किसी महात्मा के पास जाकर के हमने पूछा तो कोई बड़े बड़े महात्मा सिद्ध कोटि के आंख नीच लें और झूठ बोल दें, हम तो साधना में, छोटे मोटे महात्मा हमारा नाम सुनते ही बात ही ना करें, बोले तुम ब्रह्मा जी के बेटा नारद जी हो, तुमसे कौन बात करे, तुम तो हमारी परीक्षा ले रहे। चलो महाराज राम राम। नारद जी बोले, किसी ने जवाब नहीं बताया तो यहाँ आ गए। चारों कुमार बोले, भैया हमें जवाब पता है। महाराज कौन सा सत्संग करें, बोले श्रीमद भागवतम पुराणम, वो कुछ और नहीं भागवत की कथा ही है जिसके श्रवण करवाने से ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा अवस्था खुल जाएगी। बोलो भागवत भगवान की जय हो, वो कोई और नहीं। नारद जी बोले, पर महाराज देरी मत करो, चलो जल्दी शुरू करो। देखो बिनु सतु संग विवेक न हो,
राम कृपा बिनु सुलभ न सो राम कृपा बिनु सुलभ न सो बिनु सर संग विवेक न हो कृपा नहीं है कड़े तोते घर से पर आ नहीं पाए सुन लिए हो समझ गए हो बात का नहीं समझे सुनो कड़े कथा सुनेंगे की गड़ा वाले महाराज की घर से कड़ी आए पर 20 साल पुराना मित्र मिल गया हे भैया कहाँ अरे हम तो यही तुम अरे भैया 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 बैठो बैठो तंबाकू चाय गुटका तब तक कड़ गई कथा ये क्यों रामो कृपा बिनु सुलभ न सो धोखे से अच्छा श्रोता भी कई प्रकार के होते हैं श्रोता तीन प्रकार के श्रोता भी तीन प्रकार के हो एक हो श्रोता आए लगे सोवे भयंकर नींद आती है कई लोगों को उन्हें कहो जा श्रोता एक हो सरोता गुटका ले बताइयो लिया नहीं पाया दुकान बंद हती ये तई है यार सो ई को खा लो जो लो ई को करो सो दूसरे लो खाए भैया अच्छी चल रही कथा नहीं अरे भैया सजावट तो बड़ी प्यारी भाई एक टांग तमाकू जा रहे बताइयो फैन से खाई जे होगा सरोता एक जने और आओ घर से भी कछु पैर के नहीं आउता पादुका भी सोचन लगा माए से आवी सो बढ़िया ले के आवी काया ना से भजन ला दे बिना पैरे आउ पावन तन से देख ले जे ये 7 अक्षरों पज्जा की सो ले के चल जाओ एक जने जे भी हैं लेकिन एक ऐसे होते हैं जिन पर राम जी की कृपा होती है लेकिन यही लिए गोस्वामी जी ने लिखा आवत यही सरे अति कठिनाई राम कृपा बिनु आए न जाई राम की कृपा के बिना आ नहीं सकते ना जा सकते कहां बिनु सत संग
न हो राम कृपा जी ने कहा भैया आप तो कथा सुनाइए। तो चारों कुमार बद्रीनाथ को छोड़ करके श्री द्वारका जो है हरिद्वार में आ गए। हरिद्वार में आकर के गंगा के किनारे चारों कुमार भागवत जी की गाथा को सुनाने लगे। नारद जी श्रोता बनकर बैठे, कथा प्रारंभ हुई। अब पहले तो मंच टेंट लगता नहीं था, तो बालू की बढ़िया नवनीन रेणिका के ऊपर मंच बना दिया। चारों कुमार बैठ गए, कथा को सुनाने लगे। और जैसी कथा का नाम सुना के भागवत हो रही, तो बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री से नीचे की ओर भागने लगे। और गृहस्थी जितने थे सब नैनीताल हन के आसपास के, दिल्ली हन के आसपास के सब लोग हरिद्वार जाने लगे। बोले क्यों? बोले भागवत भगवान की गाथा हो रही है। भागवत में आया भी श्लोक नंबर तीसरे अध्याय का 13वां और 14वां श्लोक पढ़िए। भृगुर्वशिष्ठस्य चवनस्य गौतमो मेधातिथि देवल देवरातौ रामस्तथा गादिसुतस्य साकलौ मृकण्डपुत्र तिज पिप्पला योगेश्वरौ व्यास पराशरौ च छाया सुकौ जाजलिज मुख्या सर्वे मुनिगणः सह पुत्र शिष्या सर स्त्रीण युक्तः। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा इस कथा को श्रवण करने आए। भृगु वशिष्ठ चवन श्री हनुमान जी व्यास जी नारद जी प्रहलाद जी अर्जुन भी इंद्र भी इस कथा को श्रवण करने को महाराज पधारे। लेकिन सबसे पहले नाम किसका लिखा? भृगु जी का। किसी ने पूछा महाराज बड़े बड़े महात्मा हते उनको पहले नाम लिखते हैं ना, भृगु जी आए आगे कहे यहाँ ले आए। भृगुर वशिष्ठस्य चवनस्य गौतमो है, क्या कारण है? बड़ा सुंदर जवाब दिया। आपने LIC वालों को देखा है कभी? धोखे से कोई कह दे कि हमें बीमा करवाना है, वो हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं, बीमा करवा। तो मंजन भी कर रहे हो, बीमा करवा, बाथरूम में जाओगे पैर फिसल जाएगा, मर जाओगे तो क्या दे जाओगे घर वालों? कुछ पैसा ही हो जाएगा, तेरी हो तेर भी हो जाएगी बढ़िया से, बीमा करवाओ। हाँ जी या ना जी, ऐसा बोलते ना। हमने एक LIC वाले को पकड़ा, हमने कहा भाई साहब तुम हाथ धो के पाछे का पड़ जात काऊ के को धोखे से कहते बीमा करवा। तब लग जा बीमा का, मंजन करे ता बीमा, भोजन करे घरे में अटक जाए श्वास रुक जाए मर जाए तेरे ही को करवा बीमा करवा। भैया तो पाछे का। बोले महाराज इसे के बीमा जितने ज्यादा हमारे होंगे उससे हमारा कंपनी में प्रमोशन बढ़ जाएगा। हमने कहा बा, तब हमारी समझ में आ गया भृगु जी का नाम इसलिए आगे लिखा कि भृगु जी अकेले कथा में नहीं आए, 8-10-20 लोगों को साथ में जबरदस्ती पकड़ पकड़ करके लाए, तो इनका भी कथा में प्रमोशन हो गया। इसलिए महाराज श्लोक में पहले नंबर पर भृगु भृगुर वशिष्ठस्य चवनस्य गौतमो, इसलिए भृगु जी का नाम पहले दिया। सब महात्मा आए, सनत कुमारों ने कथा सुनाई, और सनत कुमारों ने कथा सुनाई तो कहा जय शब्दो नमा शब्दा संख शब्दस्त तथैव च। कथा प्रारंभ हुई तो संख घड़ियाल बजने लगी, सब बोलने लगे जय हो सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समास। भगवान की कथा को सदा सुनिए। बोले क्यों? बार बार कथा सुनने से ठाकुर जी चित्त में चिबक जाएंगे। कहाँ चिबक जाएंगे? चित्त में चिबक जाएंगे। और घनश्याम एक बार आपके चित्त में चिबक गए तो फिर बाहर निकलने वाले नहीं है, इसलिए बार बार कथा को सुनो। और जिस प्रकार मरे हुए सांप पर मिट्टी का तेल डालने
जाने से वो मैर फोड़ने लगता है, अथवा जल के बिना प्राण निकलने वाले व्यक्ति के मुख में पांच बूंद पानी की पहुंच जाने से वो जीवित होने लगता है, उसी प्रकार ठाकुर की कथा को सुनकर के भीतर जो बुझी हुई भक्ति है, कथा को सुनकर के वो जागने लगती है। इसलिए सदा सुनो बार बार, क्यों करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजा रसरी आवत जायते भैया सिल पर बढ़त निशान। बार बार अभ्यास करो तो मन पर भी हमारे ठाकुर जी तुम्हारे चिबक जाएंगे। अभी कई लोगों का प्रश्न रहता महाराज मन नहीं लगता, कथा सुनो लगेगा, एक बार नहीं बार बार। जहां चारों कुमारों ने कथा सुनानी शुरू की, मुक्त कंठ से संकादित चारों भाई भागवत की महिमा गाना प्रारंभ किए बड़े भाव से, गा ही रहते तब तक उसी क्षण अलौकिक नाम संकीर्तन की ध्वनि सुनाई पड़ी। क्या सबने देखा भक्ति सो तौ तौ तरणौ गृहीत्वा, भक्ति सो तौ तौ तरणौ गृहीत्वा, प्रेम के रूपा सहसा विराज, प्रेम के रूपा सहसा विराज, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे नाथे तिनावानी मुहुर बदंती, नाथे तिनावानी मुहुर बदंती, नाथे तिनावानी मुहुर बदंती, नाथे तिनावानी मुहुर बदंती। उसी वक्त देखा चारों कुमार भागवत की महिमा गा रहे, तब तक भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को लेकर के उसी कथा के मध्य प्रकट हुई। ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा खुल गई, दोनों चेतना में आ गए और नाम संकीर्तन हरे कृष्ण मुरारी का कीर्तन गाते हुए भक्ति महारानी दोनों बालकों का हाथ पकड़ करके कथा के मध्य में ताता खथैया करते हुए नाचने लगी। देखा तो नारद जी ने बीड़ा संभाल लिया, अद्भुत संकीर्तन कथा के मत नारद जी बीड़ा बजा रहे। इंद्रोन वार्दीन मृदंगम, इंद्र ने मृदंग उठाई, तो को कुछ बजाना नहीं आता तो प्रहलाद जी ने दोनों हाथ उठाए। प्रहलाद जी ताली बजाने लगे, चारों कुमारों को कुछ नहीं आता था तो भागवत के श्लोक गाने लगे, भक्ति सो तौ तौ तरणौ गृहीत्वा, भक्ति सो तौ तौ तरणौ गृहीत्वा, श्री कृष्ण गोविंद हरे कृष्ण गोविंद हरे
भक्ति मैया ने देखा कि सब मस्ती में भाव में विभोर हैं। अब भक्ति मैया का पारावार नहीं रहा खुशी का ठिकाना, क्योंकि दोनों पुत्र जो सुसुप्त अवस्था में थे वो भागवत की कृपा से जाग गए। और हमारे भीतर भी ज्ञान और वैराग्य है, सबके भीतर है, आजी अनाजी। तुम्हें भी जगाना है तो दोनों हाथ उठाओ और गाओ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। पीछे वाले हे नाथ नारायण कहती। धन है महाराज जो हमारे बेटों की मूर्छा अवस्था आज तक नहीं खुल पाई। धन है भागवत की गाथा, एक चुटकी में खोल दी महाराज। वाह, अच्छा महाराज अद्भुत है। भक्ति महारानी पूछती, महाराज आपने सबके लिए तो बैठने की व्यवस्था बनाई, हम तीनों कहां बैठे? नारद जी कहते, देवी भक्ति माता हाउस तो फुल हो गया, अब आप एक काम करो, जितने भक्त बैठे हैं जाओ उनके हृदय में जाकर के निवास करो। और भक्ति महारानी सबके हृदय में बैठ गई। फिर महाराज नारद जी प्रश्न करते, महाराज आपकी कथा किनको किनको तारती? सनत कुमार कहते, अरे नारद जी ये पूछो किसको नहीं तारती। अच्छा किसको?
सनत कुमार कहते हैं नारद जी जो जिंदा है वो कथा सुन ले वो तो तरता ही है, पर कोई अगर संसार में नंबर एक का पापी हो कभी भगवान की कथा को ना सुनी, कभी भगवान नाम ना लिया, नंबर एक का पापी हो, मर गया हो, मरने के बाद प्रेत बन गया हो और इसके बाद भी कोई अगर उसके नाम से भागवत करवाए तब भी ये कथा उसको तार देती है। महाराज ऐसे नहीं, इसका कोई उदाहरण हो आज तक हुआ हो तो बताओ। बोले हाँ, अत्रते कीटस्याम इतिहासम पुरातनम यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजाते। भागवत के महात्म के चौथे अध्याय का 15वां श्लोक, इसमें बड़ी सुंदर वार्ता कही। इतिहास में एक ब्राह्मण हुए, उनका नाम था आत्मदेव, उनकी पत्नी थी, पत्नी का नाम था धुंधली देवी। क्या नाम था? धुंधली, धुंधली। ब्राह्मण देवता तो बड़े धर्मात्मा थे, बिना गायत्री किए जल नहीं पीते थे, भगवान नाम जपते थे, ठाकुर के गीत गाते थे, पर उनकी पत्नी ठीक विपरीत थी। जब तक घरवाई उनकी पड़ोसी से लाठी चार्ज ना कर ले, लड़ाई ना कर ले, तब तक रसोई में नहीं जाती। और धोखे से किसी दिन जल्दी रसोई में चली जाए तो जब तक पति को या पड़ोसी को 10-50 गाली ना सुना दे तब तक रोटी तो बांटती नहीं थी, खाना तो बहुत दूर की बात। और ये हद करती थी महाराज इसकी पत्नी ब्राह्मण देवता, घर के बाहर खड़े होकर के गाली बकती थी, और बगल में एक पानी का मटका उसमें गिलास। तो कोई पूछे बहन तो ये पानी का मटका लिए क्यों खड़ी, पागल है क्या, गाली बकते हैं तो गला सूखता है पानी पीने के लिए, तो भीतर जा पी के आ फिर बक, पागल है ये, जो तमाशा देखने वाले सब भाग नहीं जाएंगे। इतनी विचित्र ये आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी महाराज। ब्राह्मण के पास सब कुछ था, एक ही कमी थी, कोई संतान नहीं थी, पुत्र पुत्री कुछ भी नहीं। तो कहते हैं पति बिन सूनी मांग पुत्र बिन है घर सूना, दुई मुक्ति के मार्ग घर बिन। पति के बिना सुनी मांग रहती, पुत्र के बिना सुना घर रहता है। स्त्री कितनी भी सुंदर हो परंतु अगर सिंदूर ना भरा हो तो अच्छी नहीं लगती, और किसी नगर का कितना भी बड़ा राजा हो पर पुत्र या संतान ना हो तो वो राजपाट महल किसी काम के नहीं है। पर ब्राह्मण देवता और परेशान, इनके कोई संतान तो थी नहीं पर ये घर में कोई गौ माता लावे तो वो भी बछड़े देना बंद कर दे महाराज, कोई पेड़ लगाएं वो फल देना बंद कर दे, बड़ी परेशान। आत्मदेव ब्राह्मण ने एक दिन सोचा मर जाना चाहिए इससे अच्छा तो, क्योंकि अच्छा कई बार क्या होते हैं पड़ोसी जले पर नमक छिड़कने का काम बड़ा प्यारा करते हैं, तो सब ताना देते हैं, सुबह सुबह इसका मुंह देख लिया अब दिन खराब जाएगा, अब तुम्हारा दिन पहले से ही बिगड़ा हो, पर वो आरोप किसी दूसरे पर लगाएंगे ये पक्का है, ये पक्का है। लोगों को बहाना चाहिए आरोप का। आत्मदेव ने सोचा चलो अपने प्राण को त्याग दें, तो वन चले गए ब्राह्मण। भागवत की सुंदर कथा है ये महाराज। बन गए तो वन में प्राण त्यागने के लिए एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और रोने लगे कि हे भगवान हमने ऐसा कौन सा अपराध किया जिससे हमारे संतति भी नहीं, और संतति के साथ साथ हम जो भी सत्कर्म करते हैं उसमें विघ्न पड़ जाता, कौन सा पाप हुआ, कौन सा अपराध हुआ, हे दयालु हमें क्षमा कर दें।
इतने में एक संत जा रहे थे महाराज वहां से। संत ने देखा कि एक ब्राह्मण मस्तक पर तिलक शिखा भी पहने माला भी पहने, लगता है कोई भगवान का बड़ा भक्त है, मिलना चाहिए, क्या वार्ता है। तो संत पहुंचे, अरे ब्राह्मण देवता कैसे हैं? महाराज हम बड़े बड़े हैं। क्यों? महाराज हम बार बार विचार कर रहे कि हमारे संतान क्यों नहीं। संत मनी मन हंसने लगे कि राम राम राम, हम तो सोच रहे थे भगवान का भक्त, ये तो बेटा का भक्त बैठा है, इसे तो पुत्र प्यारा है। संत ने खूब समझाया, महाराज बेटा आज तक किसी के नहीं हुए, आज तुम्हें लग रहा बेटा होना चाहिए, कल तुम ही रहोगे कि बेटा क्यों हो गया। अरे महाराज तुम ठहरे साधु महात्मा, तुम्हें क्या पता बेटा का सुख क्या होता है। जब पापा पापा कहता हुआ बेटा नजदीक आता है तो कान में रसगुल्ला सा घुल जाता है। आप तो साधु महात्मा, आपको क्या लेना देना, हमको तो बेटा चाहिए। साधु महात्मा बोले, भैया हम तुम्हारा मस्तक पढ़ते हैं। मस्तक को पढ़ा तो साधु महात्मा ने कहा, एक जन्म तो एक जन्म, सात जन्म तक तुम्हारे भाग्य में कोई संपत्ति नहीं। धड़ाम से खपाड़ पटक दिया महात्मा के चरणों में जोर से, महाराज क्या कह रहे हो, पहले तो एक गुना दुख था, अब आपने सात गुना बढ़ा दिया। महात्मा बोले सत्य है। तो ब्राह्मण देवता बोले, महाराज आप हमारे प्राण निकलने वाले, आप ब्रह्म हत्या भोगने के लिए तैयार हो जाओ। संत बोले, हमें क्यों ब्रह्म हत्या लगेगी। बोले, आपने ही तो हमारे दुख का डोज छह गुना बढ़ा दिया, अब आप ही भोगो। महात्मा बोले, अब करें क्या। बोले, कोई आप आशीर्वाद दो कि हमारे बेटा हो जाए, हमें इतना पक्का पता है संत अगर बोल दें तो फिर भगवान को भी विचार करना पड़ता है। संत की वाणी पर भगवान को विचार करना पड़ता, आप बोल दीजिए। महात्मा ने एक फल निकाला, लो जाओ तुम्हारे घर पर भी बेटा होगा, ये फल अपनी धर्म पत्नी को खिला देना। घर पर आए, पत्नी धुंधली को फल दे दिया, देवी खा लेना, देखना अपने घर पे भी बेटा होगा। चले गए गांव में खुशियां बताने। पत्नी बैठ गई, इतने में पड़ोसन आ गई, बोली क्या हुआ बहन, तू बड़ी चिंता में बैठी है। अरे बहन हमारे स्वामी जी फल लाए हैं, कह रहे थे इसे खा ले बेटा होगा, तू बता कहीं फल खाने से बेटा होते हैं। काऊ महात्मा ने लिया। अरे बाबरी तू पागल है का, इसमें क्या दिक्कत, खा ले शायद भगवान की कृपा है जाए। अरे बहन तू एक बात बता, और तो कोई दिक्कत नहीं, मैं खा लूंगी, पर हमने सुना जो स्त्री गर्भवती हो जाती है वो दौड़ नहीं पाती। अच्छा तुझे कौन सा मिलिट्री में आर्मी में भर्ती होने जाना है जो दौड़ लगानी है। अरे नहीं नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब शायद मैं गर्भवती हो गई तो दौड़ नहीं पाऊंगी, घर में आग लगेगी तो सब तो भाग जाएंगे पर मैं मर जाऊंगी। अरे बाबरी गारंटी है कि आग लगेगी। बोली तू ले गारंटी के नहीं लगेगी। हाँ, मैं क्यों लूं। अच्छा दूसरी बात बता, हमने सुना जो स्त्री गर्भवती हो जाती वो बड़ी कमजोर हो जाती है, फिर मैं सुंदर नहीं दिखूंगी। अरे बाबरी तुझे सुंदर दिखने से क्या मतलब, संतति बढ़ेगी, नाम बढ़ेगा, फल खा। पड़ोसन माथा पीट करके भाग गया। धुंधली की एक बहन थी, उस पर बड़ी कृपा थी भगवान की, दो चार बच्चा घर पे छोड़कर आई थी, एक बच्चा आगे चल रहा था, एक बच्चा उंगली पकड़ के चल रहा था, उसी के एक बच्चा को वो नौन कन्हैया लिए थी, एक कोख में पल रहा था। अब वो आई, बहन राम राम। अरे तू ठीक आ गई बहन, चिंता में क्यों बैठी। अरे बहन ये स्वामी जी फल दे गए, काऊ संत ने दिया, इसे खा तो बेटा होगा। धुंधली ने ऐसा अपनी बहन को बताया। बहन बोली तू इन बाबाओं के चक्कर में मत पड़, ना जाने कौन सा मंत्र का फल खवा दे, तू पागल है जाए। फिर उसकी बहन चाहती थी कि ये फल ना खाए और बेटा ना हो, ताकि एक दो बेटा हमारे ही यहां सेट हो जाएं, इसकी संपत्ति हमारी हो जाए। तो करें क्या, तू गर्भवती होने का नाटक कर और हमारे कोख में पुत्र है या पुत्री जो भी होगा, हम रातों रात चुपके से तुझे दे देंगे, कुछ संपत्ति दे देना, हम अपने पति का मुख बंद कर देंगे। इस फल का क्या करें, इस फल को तू गाय को खिला दे। धुंधली ने वो फल गाय को खिला दिया, गर्भवती होने का नाटक करने लगी। कालांतर में धुंधली की बहन के एक पुत्र हुआ और रातों रात उस पुत्र को धुंधली को दे दिया। फल वक्षेण गर्भस्या गर्भेणो गर्भवृद्धिता
सर्प भक्षम ततो शक्ति कैसे होगा घर का काम। लेकिन पुत्र भैया बड़ी प्रसन्न भई, था बहन का पुत्र पर अपने नाम की सील मोहर लगा करके घोषणा कर दी, ये हमारा बेटा है। ब्राह्मण देवता बड़े खुश भए, बेटा भैया, बाजे बजाए गए, दुंद भी बजाई गई, और कालांतर में जो गाय को फल खिलाया था तो उसके भी महाराज बेटा हुआ, पर बछड़ा या बछड़ी नहीं, मानव जैसा बेटा हुआ, बस कान गऊ जैसे उसके भी हुए। अब तो लोग चमत्कार देखने लगे कि एक पहले पुत्र भी नहीं था किसी के, अब तो गैया के भी बेटा होने लगा ब्राह्मण के घर में, सब चमत्कार देखने आने लगे। ब्राह्मण देवता ने नाम रखा गाय के, जो पुत्र हुआ उसके कान गऊ जैसे थे तो उसका नाम रखा गोकर्ण। और अपने पुत्र का नाम रखने ही वाले थे तब तक पत्नी आ गई, बोले महाराज इसका नाम हम रखेंगे, रखो तुम रखो। तो धुंधली देवी ने उसका नाम, अपने बेटे का नाम रखा धुंधकारी। हुआ क्या, गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखरा। गोकर्ण पंडित ज्ञानी हुए पर धुंधकारी खल हुआ, धुंधकारी वेश्याओं का संग करने लगा बड़े होकर के, और पिताजी को पीटने लगा। फिर पिताजी रोने लगे तो गोकर्ण जी ने समझाया, पिताजी ये संसार किसी का नहीं है, ना हमारा है ना तुम्हारा है, मनुष्य का जन्म मिला है तो भगवान की प्राप्ति करने के लिए, भगवान की कथा को सुनो। क्या बड़े भाग मानस तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिलता है, इसलिए मानुष जन्म अनमोले रे, इस माटी में बत भोल रे, अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मानुष जन्म अनमोले रे, ताली बजाते हो सुनो भैया, सुधार लो प्यारे, जो खड़े तुम्हारे भी इनके सारे हर ऐसे ही जाए रहे हो। संग में जाया कर, नाम प्रभु का गाया कर, तू सत्संग में जाया कर, नाम प्रभु का गाया कर, तू सत्संग में जाया कर, नाम प्रभु का गाया कर, तू सत्संग में आया कर, नाम प्रभु का सवेरे बैठ के बंदे प्रभु का ध्यान लगाया कर, सांझ सवेरे बैठ के बंदे प्रभु का ध्यान लगाया क्यों, सांझ सवेरे बैठ
ने प्रभु का ध्यान लगाया कर सांझ सवेरे बैठ के मन ने प्रभु का ध्यान लगाया क्योंकि नहीं लगता कुछ मोल रे इस माटी में मत घोल रे अब तो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे अब तो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं रे मानुष जन्म अनमोल रे इस माटी में मन घोल रे अब तो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे खड़े हो एक तो बैठे नहीं ये बड़ी कमी की ये बगल वाले भी ऊपर से ताली नहीं बजा रहे कथा पूरी सुन रहे बड़े कंजूस हो हटा वाले कंजूस तो हैं एक बात तुम्हारा समझ आ गई नाक ना कटवाओ देश विदेश में आ जा रहे ऐसे उठा दो यहां कछुदन पहले और बुराई बीमारी बोले का बोले कोरोना होगा आओ घरो में बैठ गओ फेफड़न में बैठ गओ घर भाई लो नहीं छुआ था फिर और तो दूर की बात बाल बच्चे नहीं छुआ था जी की तुमने गंदगी साफ करी भाई बाल बच्चे नहीं छू पाऊता इसलिए सुनो भैया तू बोले बोला है पानी का पत कर घमंड जवानी बोले बोला है पानी का मत कर घमंड जवानी और नेक कमाई कर ले बंदे पता नहीं जिंदगानी का नेक कमाई कर ले बंदे पता नहीं जिंदगानी अच्छा भैया नेक कमाई क्या है पैसा कमाना सो हो गई तुम्हारी कमाई महल बनाना कमाई है क्या आपने आज तक किसी बड़े आदमी को कार मरघटा में ले जा देखी संगे जब आदमी मरते आज तक आपने हुए सोनो चांदी ले जा देखो जवाब दो
आया ना भाई आगी के लगे हरो काहे हाँ हैरान हम तुम क्यों हैरान इसे दोनों हाथ उठाओ सुनो नेक कमाई कर ले बंदे पता नहीं जिंदगानी का नेक कमाई कर ले बंदे पता नहीं जिंदगानी का नेक कमाई दो है राम भजो राम भजो राम भजो हो राम भजो चोर न चोरी कर सके भाई न बांटे दान पावन परम पुनीत है श्री राधा जू को कुत्ता बन गए फिर अब कहीं बन गए भैंसिया डेढ़ को का करोगे इसलिए साधक कहता मनुष्य जन्म ये बोले
इस माटी में मत घोल रे। क्यों? अब तो मिला है पिघल न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। क्यों? तू बुलबुला है पानी का, मत कर घमंड जवानी का। अरे महाराज हम तो जवान हैं, आई एम हैंडसम बॉय, खटरी के बरे ढाई क्विंटल से ज्यादा नकरियां नहीं लगने और बर जाने। अब आजकल नकरियन को खेल भी बंद हो गुआ को महाराज का उमें धर दो सौ में हड्डी भराऊ थी बाहर। क्या कहना था? हीटर नहीं नहीं लॉन्च हीटर तुम्हें भैया नकनिया लोनी लगती ना ऐसो धरो साजो से छह फुट को आदमी मां से तीन ठैया हड्डी आऊ जब पाछे की अरे एक दो और बाकी साफ खाए कहां राम नाम। क्यों? तू बुलबुला है पानी का, पैसा का घमंड मत कर, पद का घमंड, हम फलाने आगे के लगे को नहीं चल पाओ तो का चले घमंड नहीं। क्यों? तू बुलबुला है पानी का, मत कर घमंड जवानी का। नेक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। लेकिन करो क्या, मीठा सबसे बोल रे, इसे माटी में मत घोल रे। अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी। बोलो भागवत भगवान की जय। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये गोकर्ण जी कह रहे हैं। जब धुंधकारी ने उत्पात मचाया, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। भागवत का श्लोक, धुंधकारी बड़ा खल हुआ, खल माने कुदृष्टि, बड़ा दुष्टि। बचपन से ही छोटे छोटे बच्चे से ही, जब वो बचपन था तब भी खतरनाक था। छोटे बच्चे पलने में खेल रहे हैं, वो चोटियां लेके दो चार चांटा मार दे। कोई अंधा व्यक्ति इससे रास्ता पूछे, ये कुआं में गिरने का बता दे। और बड़ा हुआ तो पांच वेश्याओं को रख लिया। एक दिन पिताई को खूब पिटाई लगाई, आत्मदेव ब्राह्मण को, बताओ पिताजी और संपत्ति कहाँ है? पिताजी, बेटा जितनी थी तुमने ले ली, अब क्या बचा बताओ, नहीं तो पिटो। फिर रोने लगे ब्राह्मण देवता। पहले भी रो रहे थे क्योंकि बेटा नहीं है, आज भी रो रहे, बेटा क्यों है? मैं प्रार्थना करूं वो बेटा होते हुए ही मर जाएं जो माता पिता का दिल दुखाए। वो बेटा किसी काम के नहीं जो माता पिता का दिल दुखाए। बेटा हो चाहे बेटी, वो बेटा बेटी किसी काम के नहीं जो माँ बाप की आंखों में आंसू लाए। ऐसा हो तो भगवान वो होते ही मर जाए। वो बेटा बेटी किसी काम के नहीं, पर धुंधकारी त्रास देने लगा तो गोकर्ण समझाने लगे, ये संसार किसी का नहीं है, ये संसार किसी का नहीं है, भगवान ने तो बनाए। देहे स्तिमान शिरोदरे मतम जाया सुतादि सुसदा ममता विमुं पश्यानि संजगदिदं चढ़भं वैराग राग रस को भव भक्ति निष्ठ। पिताजी जिस शरीर को आप अपना मान रहे हो ये आपका भी नहीं है। क्यों? देहे देहस्ति मांसिरोदरे, ये शरीर तो पांच तत्वों से मिलकर बना। इसमें देह में चरम है, खून है, पांच तत्वों से मिलकर बना है। पांच तत्व कौन कौन से? चिति जल पावक गगन समीरा, चिति जल
इन पांच तत्वों से मिलकर शरीर बना। कौन? वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी और जल। इन पांच तत्वों से शरीर बना है और जब शरीर पूरा होता है तो इन पांच तत्वों में ही ये काया मिल जाती है पिताजी। और ये जो जितने नाते हैं ना, माता पिता भ्राता भाई भगनी, ये जितने भी नाते हैं सब स्वार्थ के नाते हैं, कोई अपना नहीं। ये तो यात्री सहयात्री हैं। यात्री तो एक ही है, वो राम जी का नाम है, बाकी सब सहयात्री हैं। बोले मतलब? बोले सुनो, आप कभी रेलगाड़ी में बैठे, ट्रेन पर, जिस सीट पर आपका टिकट हो वहां बैठो तो सामने वाली सीट में भी कोई ना कोई सहयात्री होता है। आप पहुंचो अपनी सीट पर बैठो, सामने वाला भी बैठे। कुछ दूर ट्रेन चले, भैया आप कहाँ जा रहे? तो जवाब, आप कहाँ जा रहे, कहाँ से आए? अच्छा जी, आप कहाँ रहते? वार्ता होने लगी। अच्छा जी, हम अपने घर से लड्डू लाए, जरा पाइए तो शुद्ध घी के। आपने उन्हें लड्डू खिलाया, उन्होंने आपको हलवा खिलाया। अब आप दोनों का बड़ा प्रेम हो गया। अचानक स्टेशन आ जाए सामने वाले का, आप कितना भी रोको पर वो क्या रुकेगा? जवाब दो, नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी टिकट वहीं तक की है, उसे उतरना पड़ेगा। नहीं उतरेगा तो काले काले कोट वाले टीटीआई आएंगे, जबरदस्ती उठा करके फेंक देंगे। हाजी अनाजी, उसी प्रकार संसार में आप हैं यात्री, माता पिता पुत्र पुत्री हैं सहयात्री। इनसे प्रेम हो जाता, तुम कौन? तुम बेटा। तुम कौन? तुम पिता। तुम कौन? तुम पत्नी। तुम कौन? तुम माता। प्रेम बढ़ जाता, लड्डू खाओ, अच्छे से रहना, अच्छे से खाना, काम करो, आगे बढ़ो, हम तुमसे बड़ा प्रेम करते। ये तरह तरह की बातें चलती, पर जब तक पिताजी का स्टेशन आ जाता, पिताजी उतर लेते। अब पिताजी को तुम खूब रोको, मत जाओ, पर क्या पिताजी रुक पाते हैं? नहीं। अगर रोके, आप खूब रोको, अगर वो रुकना भी चाहे तब भी काले काले जम के दूत आओ, जबरदस्ती पकड़ के ले जा, सो तुम शमशान में जाके फूंक आओ। हाजी या नाजी, ये संसार सागर है, यहाँ कोई अपना नहीं है सिवाय माधव के। सच्चा साथी तो केवल गोविंद का नाम है। इसलिए पिताजी, आप ये बेटा का मोह छोड़ो, जाओ। चले गए। बढ़िया गोकर्ण जी ने समझाया। और दशम स्कंद का पाठ करते हुए जंगल में पहुंच गए, शरीर को पूर्ण किया। धुंधकारी की माँ का नाम था धुंधली। एक दिन माँ को भी खूब पीटा तो माँ ने भी अंधकूप में गिरकर अपने प्राण दे दिए, माँ भी मर गई, धुंधकारी अकेला बचा। पांचों वेश्याएं घर पे लाके रख दी। अब तो स्वतंत्र हो गया, धन तो था नहीं, वेश्याओं के साथ भोग भोगने लगा। धन था नहीं तो चोरी करने लगा। एक दिन राजा का धन चुरा करके आया। राजा के धन को चुरा करके लाया, पांचों वेश्याओं को धन दिया तो वेश्याओं ने विचार किया, बार बार राजा की चोरी करता है, कभी ना कभी तो पकड़ा जाएगा, हर रात चोर की नहीं होती। तो राजा पूछेंगे, ये धन को कहां रखते हो? ये घर पे बताएगा तो हम भी पकड़े जाएंगे। वेश्याओं ने सोचा, इसे भी फांसी मिलेगी, इसके साथ हमको भी फांसी मिलेगी। एक काम करो, धन पर्याप्त तो होगा, हो गया है, अब इसका ही वध कर देते हैं और सारा धन लेकर चलते हैं। देखो, स्त्री मोह वाले कान खोल के सुने कथा। स्त्री मोह हो या पुरुष मोह हो, आसक्ति ठीक है, होनी चाहिए। आसक्ति कभी भी आ सकती, पर जा नहीं सकती। आसक्ति का मतलब होता है जुड़ाव, पर अत्यधिक जुड़ाव के चक्कर में पड़ोगे तो नाश होगा। वेश्याओं का भोग भोगने लगा। वेश्याओं ने विचार किया कि इसका वध कर दिया जाए। रात के समय धुंधकारी को मदरा पिलाई। मदरा पिला करके घोर अंधकार में सोते हुए धुंधकारी के गले में एक फंदा फांसी का डाला, प्राण को खींच दिया। धुंधकारी मर गया, चिल्लाता रहा,
जलते हुए खोलते अंगारे पांचों वेश्याओं ने भर करके मुंह में जबरदस्ती ठूस ठूस कर और धुंधकारी का वध कर दिया। वहीं पर गड्ढा गाड़ करके पांचों वेश्याएं धन लेकर चली गईं। धुंधकारी प्रेत बना। नारद जी से सनत कुमार बोले, नारद जी ये कथा ध्यान से सुनना, ये नंबर एक का पापी मरा है जिसने माता पिता को भी ताप लिया, वरना जो प्रतिपाले सो नरेशु, जो प्रतिपाले सो के पेट को चलाए, आपकी पेट की रोजी रोटी चलाए, आपके लिए वही राजा है। जो भोजन दे वही राजा, और राजा का वध करने वाला गो हत्या बराबर पाप का भागीदार होता है। माता पिता को भी मारा धुंधकारी, प्रेत बना नंबर एक श्रेणी का। एक दिन गोकर्ण जी माता पिता की श्राद्ध क्रिया करके धुंधकारी का भी पूर्ण कर्म करके गया दान करके आए। जब आए तो घर पर एक प्रेत सताने लगा गोकर्ण जी को। कभी वो छोटा सा मेमना बने, कभी सुअर बने, कभी हाथी बने, कभी रोए। गोकर्ण जी ने देखा कोई प्रेत सता रहा। गोकर्ण हो पंडितो ज्ञानी, गोकर्ण पंडित भी थे और ज्ञानी भी थे। हाथ में जल लिया अंजलि में, अवमंत्रित करके छोड़ दिया। वो प्रेत के बाप कहा गए। प्रेत रोता हुआ बोला, भैया मैं तुम्हारा बड़ा भाई धुंधकारी हूं। ओ गोकर्ण जी बोले, भैया तुम? हाँ, अरे धुंधकारी, हम तो तुम्हारे नाम से गया जी में श्राद्ध दान कराए, तुम प्रेत बने घूम रहे। अरे भैया, रोने लगा धुंधकारी फबक फबक करके, मैं भला कैसे एक गया दान में तर जाऊं, मैं संसार का नंबर एक श्रेणी का पापी जो हूं ना, मैंने माता पिता को भी नहीं बख्शा, मैंने माता को भी मारा, पिता को भी मारा, मैं बड़ा पापी हूं भैया, मेरी गति तो यही होनी चाहिए थी, पर अब मुझे बहुत तड़प हो रही है, क्या करूं। अच्छा ठीक ठीक ठीक, गोकर्ण तो धैर्य धारण थे, रुको कल कोई उपाय करते तुम्हारी, अभी शांत हो जाओ। प्रातः काल हुई तो सूर्य भगवान को अर्घ दिया गोकर्ण ने। सूर्य भगवान से प्रार्थना की, हमारा भाई प्रेत योनि में है, गया दान करने के बाद भी नहीं तरा, क्या करना चाहिए। तो बड़ा सुंदर जवाब दिया, श्रीमद भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम गुरु। सात दिन की श्रीमद भागवत कथा सुनाओ भाई। और सात दिन की कथा गोकर्ण जी ने प्रारंभ की। एक बांस लगा हुआ था सात गांठ का, धुंधकारी प्रेत रूप में उस पर बैठ गए। एक दिन की कथा पूर्ण हुई, एक ग्रंथी फट गई, गांठ फट गई। दो दिन की कथा पूर्ण हुई तो उस बांस की दूसरी गांठ फट गई। तीन दिन की कथा पूर्ण हुई तो तीसरी ग्रंथी फट गई। चार दिन की कथा पूर्ण हुई तो चौथी ग्रंथी फट गई। छह दिन, पांच दिन की कथा पूर्ण हुई तो पांचवी ग्रंथी फट गई। छठवें दिन की कथा पूर्ण हुई तो छठवीं ग्रंथी फट गई। और सातवें दिन की कथा पूर्ण हुई और सातवीं ग्रंथी गांठ जैसी उस बांस की फटी तो उसी समय दिव्य रूप धरो
जात सीधा पीतवासो घनस्य श्यामो मुकुटीकुण्डला। सातवें दिन की कथा हुई। एक सुंदर सा राजकुमार सांवला स्वरूप लेकर के पीतांबर पहने हुए, सांवरा उसका स्वरूप है, कुंडल पहने हुए, मुकुट पहने हुए, दिव्य रूप धारण करता हुआ, मंद मंद मुस्कुराता हुआ भागवत भगवान के सामने अपने छोटे भाई गोकर्ण जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। गोकर्ण जी ने देखा, पूछा, कौन? मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी। और हाथ जोड़कर बोला, क्या धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाश। अरे धन्य है भागवत की कथा जो मुझ जैसे महापापी का तरन तारण कर दिया। धन्य है, धन्य है, धन्य है। वो धुंधकारी जय जयकार करने लगा। आश्चर्य की बात यह थी, उसी समय भगवान का विमान आया और धुंधकारी को ले जाने लगा। गोकर्ण जी ने पूछा, भैया कथा तो सबने सुनी, पर स्पेशली विमान इनके लिए क्यों आया? हमसे एक बार एक पत्रकार ने पूछा था, महाराज पहले कथाएं होती थी तो विमान आते थे, अब इतनी कथाएं हो रही बैलगाड़ी लो नहीं आउता। विमान तो दूर की, बैलगाड़ी तो नहीं है। महाराज कथा की पोथी बदल तो नहीं गई, अंग्रेज विदेश तो नहीं ले गए? हमने कहा नहीं, भागवत तो वही है। बोले महाराज पर विमान का नहीं आऊ। हमने कहा भैया न सुखदेव जैसे वक्ता बचे, न महाराज परीक्षित जैसे श्रोता बचे, न गोकर्ण जैसा कोई वक्ता बचा, न धुंधकारी जैसा कोई सुनने वाला बचा। दोनों जुड़ जाएं तो आज भी विमान आ जाएगा। जजमान भी चाहत के हम और टीवी में चेहरा आ जाए, भाड़ में जाए कि हम धर्मात्मा हैं। और गुरु जी भी चाहत के क्या रहा, ले आओ एक आध लाख और बढ़ा दो तो काने का है। बोले का, अरे बोले ते मैं तो कलाई कार्ड नहीं चुक रहा है, 50,000 और काओ समझेला। तो जजमान भी चाहत के हमारा नाम हो, हम धर्मात्मा हैं। और व्यास जी हरे भी चाहत के दक्षिणा आए, कथा चाहे जैसी राय। अब कहां से विमान आए? अब तुम कहो के विमान का नहीं, अब विमान का में आए, बैलगाड़ी लो ना यार। विमान आया, साहब देवता गए, गोकर्ण विमान पर धुंधकारी जाने लगे। गोकर्ण जी ने पूछा कि भाई कथा तो सबने सुनी, पर धुंधकारी के लिए भर क्यों विमान आया? बड़ा सुंदर जवाब दिया। बोले सवर्णस्य विभेदेन फल फल भेदो अत्र संसितः। श्रवण का विभेद है, जिसने जैसी सुनी उसको वैसा फल मिला। कथा सुनना बड़ी बात नहीं है, सुनो, कथा सुनना बड़ी बात नहीं है, कथा सुनकर के जीवन में उतारना बहुत। कथा तो कहा सुन लो 3 घंटा, लोग आज की कथा ब्राह्म काल में, 7 दिन तो राधे राधे, सब आधे आधे राधे राधे। बोले कहा कथा चली भागो, राधे राधे बोलना पड़ेगा, राधे 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 राधे, 7 दिन पूरे का आधे आधे। बोले कहा अरे बोले हो गई भागवत है? कहा महाराज हाँ, हम आओ जो धंधा चला भी हमने, हमें परी खेती की तो मैं राधे राधे की परी है, हमारी होता बबाई डरी जोत के नारे आए थे हम, चना बिबने हैं, दीवारी आ गई पुताई को कर, महाराज कर भी आए, महाराज तो आए फ्री, उन्हें नहीं है कौन काम। ऐसे लोग होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं, तुम्हारे तो साझे का हटा कछु ऐसे हैं जो रावण के खानदान के आगे के लगे, तो मैं नौ इनका कछु जो रावण के खानदान के तुमो ना बरो मान। ये श्रवण विभेदन है, जिसने जैसी सुनी उतनी कृपा। सुनना बड़ी बात नहीं है, जीवन में उतारना बहुत बड़ी बात है। और कल से इस चर्चा हम आगे करेंगे, आज समय खूब हो गया। कल कौन कौन नहीं आएगा, दोनों हाथ उठाओ। अच्छा उल्टवा सुन लो, तुम आएगा कौन कौन? अच्छा उल्टवा होगा, हमें से होगा, मांस की जीवा पलट जा, आएगा कौन कौन?
पाछे बार रामण के खानदान के ना हाथ उठा लियो पाप में पर जो हाँ जो आए वगैरह दोनों हाथ। कल कितने बजे? आप कल 3:30 बजे बैठ ही जाइए, क्योंकि कल जो है हम ये अगल बगल से पूरा बंद करवाएंगे तो सामने भर बैठने को मिलेगा, इससे असुविधा भी नहीं होगी। जो कल समय पर आप आ जाइए 3:30 बजे, कल दरबार भी है कितने बजे से? 11 बजे से इसी प्रांगण में बागेश्वर बालाजी का दरबार भी है कल और परसों का। प्रयास है जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की अर्जी लग जाए उसका भी लाभ मिल जाए और कथा का भी लाभ मिल जाए। जौन को कथा से ना पूरो बन पर है सो पर्चा बना भी, पर्चा से ना पूरो पर है सो चर्चा से कैसे हूँ ना कैसे हूँ तो पूरो पर है। तो कल पुनः हम समय पर चर्चा करेंगे। आज हमने जो है महात्म की यहाँ तक चर्चा की, कल नियम विधि से चर्चा करके आगे की वाणी बढ़ाएंगे और सब जने खूब जय जय नाम संकीर्तन गाओ। कल हम कथा के नियम भी बताएंगे, तिलक लगा करके सभी आए और मास्क मुसी का पहन कर आए हैं और दूरी दूरी से थोड़ा बैठें क्योंकि नियम का पालन करना बहुत अनिवार्य है। 2 मिनट नाम संकीर्तन आइए गा लेते हैं, इसके बाद वाणी विराम करके आरती गाते हैं। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, 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 सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, हरे रामा हरे रामा राम राम सीता राम राम राम, हरे रामा राम राम सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम, शंकर महादेव जय, उपकाशी नगर की जय, भागवत भगवान की जय, बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की, ये पूज ब्रह्मलीन सब संतन की, यहाँ के महंत पुजारी की, कोठारी भंडारी की, पूरे नगर वासियन की, अपने अपने मताई बाप की, अपने अपने गुरु महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, कथा सुनवे बारे की, कथा यजमानों की, कथा यजमानों के परिवारजनों की, कथा में सहयोग करने वालों की, कथा का विरोध करने वालों की भी, श्री सीताराम भगवान की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आशीर्वाद जय श्री राम। बोले बागेश्वर धाम की जय। कथा में उपस्थित सभी लोग से निवेदन है, सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाएं और कथा में उपस्थित आए हुए सभी संत महात्माओं से निवेदन है कि वो मंच पर आए व्यासपीठ से आशीर्वाद के लिए। सभी संत महात्मा हैं, श्री श्री महंत पूज्य महाराज श्री हरिप्रपन्न दास जी महाराज बड़ी साला सीतानगर से, सभी महंत से निवेदन है सभी लोग आ जाएं मंच पे आरती के लिए। श्री श्री महंत भगवान दास जी महाराज पूज्य सिंगारी बाबा जी छतरपुर से, श्री श्री महंत सुरेश दास जी महाराज छतरपुर से, श्री रामेश्वर दास जी पूज्य महाराज श्री छतरपुर से, पूज्य महाराज श्री कौशल दास जी छतरपुर से, पूज्य महाराज श्री जितेंद्र दास जी महाराज साटिया सरकार छतरपुर से,
पूज्य महाराज श्री हरिहर दास जी महाराज छतरपुर से, पूज्य महाराज श्री नारायण दास जी महाराज जी से निवेदन करेंगे मंच पर आए और आरती में शामिल हो। श्री बजरंग दास जी महाराज हनुमान घाटी से, श्री श्यामदास जी महाराज हटा से, पूज्य महाराज श्री हरिराम दास जी बालाजी मंदिर से इनसे निवेदन करेंगे कि सभी पूज्य महाराज श्री मंच पर आए और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। और माननीय श्री दमो विधायक अजय टंडन जी से निवेदन है मंच पर आए, पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। और माननीय श्री हटा विधायक जी पीएल भैया जी से निवेदन है मंच पर आए और पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। आप सभी बागेश्वर धाम की जानकारी के लिए बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें। आगे के कार्यक्रम, दरबार की जानकारी, आगामी कार्यक्रम, सभी जानकारी आपको बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, उससे आप जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें। और कल सुबह 11 बजे दिव्य बालाजी दरबार, मानव जीवन की देह दैनिक भौतिक समस्याओं का समाधान के लिए कथा पंडाल में ही 2 घंटे का दिव्य बालाजी दरबार पूज्य महाराज श्री द्वारा लगाया जाएगा। सभी लोग टाइम से आ जाएं। और शाम को 4 बजे से कथा संस्कार चैनल पर लाइव, यूट्यूब चैनल पर लाइव देखेंगे। कथा का समय फिक्स है, 4 बजे से कथा आरंभ हो जाएगी। आगामी कार्यक्रम 10 नवंबर से 13 नवंबर विदिशा में पूज्य महाराज श्री की कथा भक्तमाल कथा है, 4 दिवसीय। 19 नवंबर से 27 नवंबर तक श्री राम कथा बुलंदशहर में, उसको भी आप संस्कार चैनल पर लाइव देखेंगे। इसके बाद 3 दिसंबर से 11 दिसंबर तक श्री राम कथा संस्कार चैनल पर नौगांव में होने जा रही है। 22 दिसंबर से 28 दिसंबर तक श्रीमद् भागवत कथा महुआ में यूपी में होने जा रही है। 5 जनवरी से 11 जनवरी टीकमगढ़ में ये सभी कथाएं आप संस्कार चैनल पर लाइव देखेंगे। और 20 फरवरी से 28 फरवरी श्रीमद् राम कथा पूज्य गुरुदेव भगवान तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी राम भद्राचार्य जी महाराज द्वारा बागेश्वर धाम सिद्धिपीठ आश्रम पर संपन्न होने जा रही है। और साथ ही 251 कुंडी यज्ञ बागेश्वर धाम सिद्धिपीठ पर होने जा रहा है। 1 मार्च 2022 को हर वर्ष की तरह महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर 108 कन्या विवाह संपन्न होने जा रहे हैं। इसमें भी आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में बागेश्वर धाम सिद्धिपीठ आश्रम पहुंचे, सहयोग करें। और जो कन्यादान लेना चाहते हैं वो भी संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पंडाल के बाहर बागेश्वर धाम कार्यालय बना हुआ है, सभी जानकारी आपको उस पर उपलब्ध हो जाएंगी। और आइए चलते हैं आरती की ओर। बोले बागेश्वर धाम की जय हो, बालाजी सरकार की जय हो। हरे हरे ओम श्री ज्वाला मालिनी नमः, सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। हरे ओम चंद्रमा मनसोर्जातश्चक्षोः शौर्यो अजायत श्रोतान्द्वादश्च प्राणश्च मुखार्धग्निरजायत। श्रीवाक्य विहारी तेरी आरती गाऊं, श्रीवाक्य विहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं,
को मनाओ, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाओ। ओहे गिरधर तेरी आरती गाओ, ओहे गिरधर तेरी आरती गाओ। मोरे मुकुट तेरे सी जीवल आरी में जाओ श्री के बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों शिनिक नीह गंगा प्यारी, चरणों शिनिक नीह गंगा प्यारी। हो जिसने सारी दुनिया सदा